क्या रे इतनी रात को जगा दिया? सर पूना के कलेक्टर आए हैं, वो अर्जेंटली आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि रात को आना पड़ा? हेलो, सच में कब? ओके ओके ठीक है। घोर पड़े, एक दहला देने वाली खबर के लिए थोड़ी जगह रख लेना। टाइटल, रायगढ़ का कलेक्टर गायब। क्या हुआ, क्या बात है? हाँ सर, नई मुंबई के मैजिस्ट्रेट आपसे मिलने आए हैं। कौन है? कोचरेकर साहब है क्या? हाँ सर। हेलो हेलो, मैं नई मुंबई का रिपोर्टर रामनाथ प्रसाद बोल रहा हूँ सर। मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। रात को 1:15 बजे तो अनजान लोगों ने नई मुंबई के कलेक्टर को किडनैप कर लिया है सर। अरे वो नई मुंबई का नहीं, रायगढ़ का है। नींद में कोई गड़बड़ मत कर देना। वो इन्फॉर्मेशन भी सही है, रायगढ़ का कलेक्टर भी गायब हुआ है सर, और उसी समय किसी ने नई मुंबई के कलेक्टर को भी किडनैप कर लिया है। दो जगह एक साथ दो कलेक्टर गायब हो गए? सुनो, तुम्हें एक काम करना होगा, फौरन जाकर हेडलाइंस की प्रिंटिंग को रोक दो, सुबह की खबर बहुत सनसनीखेज होगी। आठ कलेक्टर्स किडनैप हो गए हैं, वो सबके सब 1:15 बजे एक साथ गायब हो गए हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सारे लोग ध्यान से सुने, कॉलिंग फ्रॉम कंट्रोल रूम, सबको ये सूचना दी जाती है कि पूरे राज्य के 15 कलेक्टर गायब हो गए हैं। ओवर। ओह माय गॉड, 15 एक साथ? सर इन 15 को ढूंढने के बजाय उन कलेक्टर्स को सुरक्षा दी जाए जो अभी तक किडनैप नहीं हुए हैं सर। तुम्हारा मतलब है कि इन 15 को भूल जाए? मुझे मत समझाओ, ओके? इनकी जिंदगी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हां सारे चेक पोस्ट को इन्फॉर्म करो कि सारी गाड़ियां चेक की जाए। ओके सर। नमस्कार, आज की हेडलाइंस। महाराष्ट्र राज्य के 15 कलेक्टर्स एक ही साथ किडनैप कर लिए गए हैं। इसके लिए चीफ मिनिस्टर ने खास पुलिस दल बनाया है। केंद्र के रक्षा मंत्री आज मुंबई आ रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य में रात के 1 बजे से रहस्यमय स्थिति में पूरे 15 कलेक्टर्स एक साथ किडनैप कर लिए गए। एक ही समय में अलग अलग जगहों से कलेक्टर्स का किडनैप होना जनता के बीच में भय की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। इन सबको किडनैप करने की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। रात 1 बजे से ही महाराष्ट्र पुलिस ने पूरे राज्य में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। हमारे सूत्रों के अनुसार इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब पेश है मुख्य समाचार। महाराष्ट्र राज्य में हुए 15 कलेक्टरों की इस रहस्यमय किडनैपिंग पर भारत के प्रधानमंत्री ने अपना गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ये बात केरल में हो रहे साइंस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में कही। इस रहस्यमय घटना पर महाराष्ट्र के डिप्यूटी पुलिस कमिश्नर श्री राम प्रसाद यादव ने बताया, देखिए हमारा डिपार्टमेंट इस मामले की छानबीन कर रहा है। अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसे खोज कर अरेस्ट करेंगे, वो नहीं बचेगा। ये पुलिस की इज्जत का सवाल है। करूर के कलेक्टर मिस्टर मुरलीधरन, उम्र 53 साल। वंदावासी के कलेक्टर मिस्टर सदाशिव राव, उम्र 36 साल। शिरडी के कलेक्टर मिस्टर पंचानन पाठक, उम्र 43 साल। आथर के कलेक्टर मिस्टर बापूराव, उम्र 47 साल।
नासिक गांव के कलेक्टर मिस्टर अनंत खंडेराव उम्र 52 साल, करजत के कलेक्टर सदानंद केशव उम्र 41 साल। जिस तरह से एक ही समय पर अलग अलग जगहों से कई कलेक्टर्स को किडनैप किया गया है, उससे लगता है कि ये काम किसी आतंकवादी संगठन ने पूर्व नियोजित योजना के तहत इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसा पुलिस का कहना है, लेकिन अभी तक इसके किसी कारण का पता नहीं चला है। जिम्मेदारी नहीं ली है, हमारी सरकार ने अपनी तरफ से उनसे बात करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। सर गुड न्यूज, क्या हुआ, अपहरणकर्ताओं का पता चल गया क्या? नहीं सर, लेकिन किडनैप किए हुए सारे कलेक्टर अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुँच गए हैं। सच कह रहे हो, कब हुआ? अभी अभी कमिश्नर ऑफिस से मैसेज आया है। अरे वाह, 3 दिन से मेरी नींद हराम हो गई थी। अरे हाँ, कमिश्नर को फोन करो। यस सर। सीएम साहब खबर सुनकर खुश हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। व्हाट, ये कब हुआ? ठीक है, मुझे फोन करिए। सर, जो कलेक्टर किडनैप किए गए थे उनमें से 14 ही घर वापस आए हैं और एक का कोई अता पता नहीं है। कमिश्नर इसकी तहकीकात कर रहे हैं। जैन सर, 3 घंटों से ये बॉडी यहाँ लटकी हुई, इसे जल्दी नीचे उतारो। सर ये कलेक्टर है, अभी पता चला है, इसलिए आपको खबर दी है सर। वो सब छोड़ो, पहले बॉडी नीचे उतारो। क्या सर? सर, कलेक्टर की बॉडी के साथ ये फाइल और कैसेट बंदी हुई मिली। ACF। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को नमस्कार। जो 15 कलेक्टर अचानक गायब हुए थे उनमें से 14 को छोड़ दिया गया है और एक की हत्या कर दी गई है। आप लोग इसकी वजह खोज रहे हैं। सरकार के इस कचरे को साफ होना चाहिए। अब जो भी कर्मचारी भ्रष्टाचार करता मिलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हमारा पहला कदम है। पूरे महाराष्ट्र राज्य में 206 कलेक्टर काम करते हैं। इसमें बहुत सारे कलेक्टर ऐसे हैं जो कलेक्टरी के ओहदे का फायदा उठाकर गरीब इंसानों का खून चूस रहे हैं। उनकी संपत्ति के आधार पर सिर्फ इन 15 कलेक्टरों को चुना गया है और 15 में से सच्चिदानंद राव नंबर 1 का भ्रष्टाचारी कलेक्टर था जो मारा गया, और ये साबित करने के लिए उसकी सारी काली कमाई का कच्चा चिट्ठा इन फाइलों में है। और इसी तरह कई और सरकारी डिपार्टमेंट में से सबसे भ्रष्ट 15 अधिकारियों को फिर से किडनैप कर लिया जाएगा। उनमें से नंबर 1 भ्रष्ट अधिकारी को मार दिया जाएगा और ये सुधार तालुका ऑफिस से शुरू होकर सरकार के कई और दफ्तरों में भी किया जाएगा। ये बताओ, नंबर 1 घूसखोर को मार दोगे तो दूसरे पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? तुम समझे नहीं, सोचो, अगर रेस में नंबर 1 को गोली मार दो तो बाकी के रेसर क्या करेंगे? वो सब डर के पीछे हट जाएंगे और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हर आदमी एक के पीछे एक रिवर्स में चलेगा और सब स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाएंगे। क्या मस्त आइडिया है ना। एक ही डिपार्टमेंट के 15 करप्ट लोगों को किडनैप किया और नंबर 1 को ही मौत की घाट उतारा, तो बाकी के 14 लोगों को किडनैप क्यों किया था और 3 दिन बाद उन्हें छोड़ क्यों दिया? अरे भाई, जो मारा गया उसे तो उसके किए की सजा तुरंत ही मिल गई, पर कुछ दिन बाद लोग उसे भूल जाएंगे, लेकिन बाकी जो 14 लोग हैं वो इसे याद करके सारी जिंदगी घूस लेने से डरेंगे। और इतना ही नहीं, जिसने भी ये न्यूज़ पढ़ी होगी ना वो भी घूस लेने से डरेगा। एक बात तो है, कोल्हापुर के एक ऑफिसर को कैसे पता चलेगा कि नासिक वाले ने कितनी रिश्वत ली? वैसे ही नासिक वाले को ये नहीं पता चलेगा कि पुणे वाले ने कितनी ली। तो रिश्वत खोरों में ये डर बना रहेगा कि रिश्वत लेने में वो नंबर 1 न बन जाए, जिससे रिश्वत लेने में कमी आएगी। इसने किस समय पर किससे घूस ली, कितनी ज्यादा घूस ली और इसने उन पैसों को कहां कहां कितना इन्वेस्ट किया, इन सभी सबूतों का जेरोक्स, इसका हर कागज इतना सही है जिसे हमने अपने आदमियों से चेक भी करवाया तो ये सही निकले। किसी भार वाले के लिए ये जमा करना थोड़ी मुश्किल का काम है,
इसीलिए जरूर ये आदमी उसी के ऑफिस में ही काम करता है और उसी ऑफिस में होने की वजह से वो ये सबूत जमा कर पाया। यस, इस किडनैपर ने 15 अफसरों को अलग अलग जगहों से पकड़ा है। इससे साबित होता है कि ये काम कम से कम 15 लोगों की टीम का है। एक्सक्यूज मी सर, मेरे हिसाब से ये 15 लोगों की टीम नहीं है। पूरे महाराष्ट्र राज्य में 206 तालुके हैं और उन 206 में से उसने सिर्फ 15 सिलेक्ट किए, तो अगर उन 15 को अलग हटा दे तो बचे हुए 191 में से किसी दफ्तर में यह आदमी काम करता है। एक खतरा और है सर, उसने ये धमकी दी है कि वो ऐसा दूसरे डिपार्टमेंट में भी करेगा, इसलिए ये सिर्फ 206 ही नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के हर सरकारी ऑफिस में एक आदमी मिला हुआ है और वहां की सारी रिपोर्ट वो किसी एक मास्टरमाइंड को भेज रहे हैं। पर कैसे, आखिर ये कैसे मुमकिन है? अगर राज्य के अलग अलग जगहों से 15 लोग एक साथ एक समय पर उठाए जा सकते हैं तो ये भी हो सकता है। ये कोई एक दिन का बनाया हुआ प्लान नहीं है सर, उन्होंने सालों साल इसकी तैयारी की है। इस सारी साजिश के पीछे कोई साधारण आदमी नहीं है, ये कोई नक्सलवादी या आतंकवादी भी नहीं है जो पड़ोसी देश से आते हैं, ये अलग है, ये कहीं हमारे बीच ही है। इसने हर सरकारी ऑफिस में अपना एक खास आदमी पिरोया हुआ है और वो लोग तो इसकी शाखाएं हैं। इसकी जड़ कहां है, कौन है ये आदमी और उसका अगला शिकार कौन है? Uncle, can I have a sandwich? Thank you. Uncle, आज का नाश्ता एकदम मस्त है। अंकल, मैंने तो पहले ही 2 रोटी खा लेती है, जे मैं और खावांगा तो स्कूल च मेरा टिड पीड़ करेगा। ये कहना चाहता है कि चपाती बहुत अच्छी बनी थी और उसी चक्कर में इसने 2 चपाती ज्यादा खा ली, अब अगर ये 3री चपाती खाएगा तो स्कूल में टॉयलेट में ही बैठा रहेगा। Hey, foreigner, India mein kaise? Who are you? What the heck are you doing on my doorstep? Come on, speak up. Aao, madam, zara channel change karke local channel pe aao na. Stupid. Really? आओ, एक्सक्यूज मी, ये रामनाथ सर का घर है ना? अबे गधे, घर में घुसने के बाद पूछेगा क्या? टिंग 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 टिंग, आज तो इंग्लिश की टांग तोड़ता ही। अरे कौन है तसी, की चाहिदा है? बैल बजाए हुन बोलदा नहीं है, गए पागल है की? ए पागल। ये कौन से चल थरे बाबा? रामनाथ साहब, सर। मैडम, क्या आप अपना चैनल बताएंगी? किससे काम है? वाह, लोकल चैनल, मैं रामनाथ सर से मिलने को आया हूँ। अंकल, आपसे कोई मिलने आया है। दिखने में कैसा है? कोयले की बोरी जैसा। उसे अंदर बुला लो। आओ। गुड मॉर्निंग सर, प्रिंसिपल साहब ने साइन करने भेजा है। ये तो पूरा कॉकटेल है रे बाबा। ये लोकल लगता है और ये ISD, यही ये पंजाब का लगता है बाबा, और ये बिहार का, और वो अपना। सर, एक छोटा डाउट है, एक इंग्लिश बोलती है, एक हिंदी बोलती है, एक पंजाबी में बोलता है, एक से ज्यादा ट्रैक में सब लोग बोलते हैं, आखिर ये कॉकटेल का राज क्या है? पर तुम क्यों जानना चाहते हो? वो क्या है ना सर, मैं आपकी तरह थोड़ा स्मार्ट बनना चाहता हूँ। चलो जाओ, कॉलेज में जाकर पढ़ाओ। अच्छा। देख बुढ़ाओ, कॉलेज बंद हो गया है, चुपचाप घर जा, बात समझ में आई कि नहीं? आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? आज इम्तिहान है, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। अबे ये बाजा बजाना बंद कर, इस जगह के MLA को पुलिस पकड़ के ले गई है, इसलिए कॉलेज को बंद करवाना है। शराब की दुकानें भी बंद करवाई है हमने, तो ये कॉलेज क्या है? चल चल, चुपचाप घर जा। प्लीज सर,
आज यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, नेशनल कॉलेज की अपनी एक रेपुटेशन है। अरे प्रोफेसर कितना पकाएगा, चल आज कॉलेज बंद कर, संडे को फिर खोल लेना। ये कोई बनिए की दुकान है क्या, कॉलेज है भाई साहब। अरे चल बोल देना आज छुट्टी है। ए छोकरा लोग, बहुत पढ़ लिया तुम लोगों ने, चलो अपने अपने घर जाओ, आज कॉलेज बंद है। जाओ 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 पार्टी बनाओ, चलो निकल चलो, जाओ 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 घर जाओ। शर्म नहीं आती कॉलेज में गुंडागर्दी करते हुए? ए, तुझे पढ़ाने की बड़ी पड़ी है, मेरे को भी पढ़ाएगी क्या? चल घर जा और पति की सेवा कर, समझ गई ना, खाली पीली कानून मत झाड़। क्या घूर क्या रही है तू, एक दू क्या रख के उल्टे हाथ का, बड़ी आई मास्टर नहीं बनने, पढ़ाएगी मेरे को। बिना पूछे तो पुलिस भी यहां नहीं आती, तुम तो गुंडे मवाली हो, फिर भी मैं तुम्हें शराफत से समझा रहा हूं, क्योंकि बच्चों के इम्तिहान है, तुम्हारी वजह से एग्जाम में एक मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। अब निकलो। हे, क्या मेरे को पढ़ाएगा तू, चल नहीं जाता क्या, कर लेगा तू। हवा ने भिड़की लगा रहा है, क्या हो रहा है तुझे? लगता है हड्डी सनक गई, बहुत दर्द हो रहा है। इसका हाथ है हथौड़ा, इसकी हड्डी सर की नहीं होगी, टूटी गई होगी, इससे बाद में निपट लेंगे, पहले इसको हॉस्पिटल ले चलो। चलो चलो चलो। अरे क्या कर रहे हो?
Lights on. ये स्लाइड्स जो अभी हमने देखी सन 1947 के बाद के सारे हाईजैकर्स और किडनैपर्स की हैं, लेकिन ये केस इससे भी कहीं ज्यादा उलझा हुआ है, क्योंकि ना तो कोई विरोधी मांगी गई है और ना ही कोई शर्त रखी गई है। 15 लोगों को किडनैप किया और एक को मार दिया गया। छोड़े गए वो 14 लोग कहां रखे गए थे ये वो भी नहीं जानते, क्योंकि 3 दिन तक वो अंधेरे कमरे में बंद थे और उन्हें किडनैप करके 10 किलोमीटर के दायरे में ही रखा गया था। मुसीबत यह है कि इस तरह की घटनाएं आगे भी जारी रह सकती हैं। कब और कहां इस तरह का हादसा हो जाए, हर मिनट पर किसी बुरी खबर के लिए टेंशन बना रहता है। मान ले कि एक ऑफिस में 87 कर्मचारी काम करते हैं, उनमें से एक आदमी ऐसा है जो बाकी लोगों की एक्टिविटी पर नजर रखता है और एक अनजान आदमी को रिपोर्ट करता है। अगर वो आदमी हमारे चंगुल में फंस जाए तो हम सब मिलकर पूरे गिरोह को पकड़ सकते हैं सर। पर उस अकेले को खोजेंगे कैसे? जेब कतरों के केस में तो 3rd degree दे देते, ये तो कर्मचारी है और वो भी सरकारी। अगर हम में से किसी के पास कोई आइडिया हो तो बताएं। तुम हाथ क्यों उठा रहे हो? अरे सर, आप ही ने तो आइडिया मांगा था ना। टैंक फुल किया या नहीं सर? जीप के टैंक फुल करने की बात कर रहा हूँ। वो तो फुल किया है। चारों पहियों की हवा भी चेक कर लो। हाँ कर ली। गाड़ी को जाकर छांव में खड़ी कर दो। गाड़ी शेड में ही खड़ी है। तुम जाकर बाहर बैठोगे, हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। नहीं सर, वो आप लुक हियर, तुम एक कांस्टेबल हो, हमें काम मत सिखाओ। तुम जाकर अपना काम करो, जो कहा जाए उसे सुनो। अब जाओ यहाँ से, आउट। मैं तो उसी दिन कहने वाला था सर, ये बहुत बड़बोला है। तू एक पुलिस की जीप चलाने वाला कांस्टेबल है, तुझे इससे क्या मतलब है? क्यों नहीं, मेरे पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे, मेरे दादा अंग्रेजों के पुलिस में थे और मैं खुद एक मेरिट रैंक होल्डर हूँ। पर मैं कांस्टेबल हूँ क्योंकि मैंने घूस नहीं दी। मैं इस केस को सॉल्व करके प्रमोशन पाना चाहता हूँ और तुम मुझ पर हंस रहे हो। अरे ठीक है नहीं हंसूंगा। चल, इस सरकारी दफ्तर में तुम्हारी बात किसी ने नहीं सुनी। अब उस आदमी को पकड़ने का आइडिया तुम मुझे बताओ, मैं सुनूंगा। चल बता। तो ध्यान से सुनो, मैं हादसे वाले ऑफिस में जाऊंगा। जो सारे घूस खाने वाले लोगों को जानता होगा ऐसा कौन होगा? वो एक ईमानदार इंसान होगा जो खुद घूस नहीं लेता। इसीलिए घूस ना लेने वाले उस आदमी को ढूंढकर मैं इस केस को सॉल्व करूंगा। भाई मुझे पूरी उम्मीद है तुझे प्रमोशन जरूर मिलेगा। मेडिकल लीव पर जा रहा हूं। कोल्हापुर, शिरडी, नासिक और वहां के हर सरकारी ऑफिस के हर इंसान की हरकतों पर ठीक से नजर रखूंगा। फिर देखना, मैं उसे जरूर पकड़ूंगा।
निकाल दो। एक मिनट शांत हो जाइए। मैडम क्या हो गया? आप लोग कौन हैं? आई एम देविका, एक समाज सेविका। ए, हेलो समाज सेविका, कौन सी सेवा करती हो? हेलो देविका, एक समाज सेविका। ओके पर ऊपर क्या कर रही थी? इन गंदे पोस्टरों को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। देखिए, एक हफ्ते से ये गंदे भद्दे पोस्टर्स यहाँ चिपके हुए हैं। इन्हें कौन हटाएगा? आप लोग सिर्फ 9 से 6 काम करके ये सोचते हैं कि आप लोग समाज सेवा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। समाज सेवा करने के लिए जरूरी है कि आप उसके लिए टाइम निकालें। एक बात बताइए, ये पोस्टर यहाँ कितने दिन से लगे हैं? पूरे एक हफ्ते से सर, पूछिए इन लोगों से। इतने दिनों से आपने कभी इतनी भीड़ यहाँ देखी है? नहीं देखी है। इतनी भीड़ आज क्यों लगी है? इन पोस्टरों को आप भद्दा कह रही हैं? आपने अपनी ये ड्रेस देखी है? उससे भी ज्यादा भद्दी है। ये सब लोग उसे ही देखने यहाँ पर आए हैं। What? ये कपड़े भद्दे हैं? Hello, ये फैशन है हाँ? इन सारे पोस्टरों का जन्म इसी फैशन की वजह से है। जानती हूँ आपको समाज सेवा में इंटरेस्ट नहीं है, पर एटलीस्ट मैं जो काम कर रही हूँ उसे तो इनकरेज कीजिए। मैं इनकरेज करूँगा? जानती है मैं कौन हूँ? ऑल इंडिया आइटम गर्ल के एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, ऊपर चढ़कर सफाई करो। काम खत्म हो जाए तो हमारे एरिया में भी आ जाओ। ओके अंकल। अरे हटो हटो, रास्ता क्यों घेर रखा है? ए पीछे हटो तुम, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? और मैडम, पोस्टर हटाने से पहले बताना चाहिए था। चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से। मैंने तो पहले ही मना किया था इसे। अरे सीढ़ी से गिर कर अगर टांग वांग तोड़वा ली तो शादी कौन करेगा इससे? थर की बुड्ढा खाई का। खेलते हैं। चेंज चेंज, अरे चेंज करना, चेंज कर, चेंज चेंज चेंज। आइसक्रीम ऑर्डर कितने अड्डी देर हो गई, अजय तिकर नहीं आई ना। छेती ले आनो कहो ना। दिखने में कितना दुबला पतला है लेकिन कितना खाना ठूसता है। तेरा खाना जाता किधर है? ओह नो, पकड़ी गई, बहुत पिटाई होगी। ओ गॉड, कहां छुपू? इधर ही तो आई थी सर। कहाँ देखा तुमने उसको? मैंने उसे अंदर आते हुए देखा था सर, यहीं कहीं होगी। तो गई किधर? मर गई, मर गई। इतने बड़े मॉल में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे सर? किसी ना किसी दिन मेरे हाथे चढ़ेगी। चलो अभी बाहर चलते हैं। चलो हेलो सर, रिमेम्बर मी? देविका, समाज सेविका। कैसी लग रही हूँ मैं आज? आज मैंने पूरे कपड़े पहने। बाय बाय। अब मैं कहाँ छुपूँ? कहाँ? यहाँ छुप जाती हूँ। इधर इचकी दे रहोगी? 2 मिनट में छमिया गायब। टेंशन मत ले लो भाई, आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेंगे। चलो रे भाई लोग। ऐसे क्या दिख रहे हो? मेरे जैसी समाज सेविका के साथ ऐसा होना आम बात है। अब देखिए ना, आपकी तरह मैं भी सब कुछ जानकर अनजान तो नहीं रह सकती ना। गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? एक्चुअली शमशेर अली खान के गुंडे हैं वो। उसके छोटे भाई की शादी मैंने ही करवाई थी। अब आप ही बताइए, मैंने कोई गुनाह किया है क्या? ठीक है, पुलिस क्यों पीछे पड़ी थी? क्योंकि वो लड़की कमिश्नर की बेटी है। हाय, आई एम देविका। हेलो आंटी। आंटी,
डोंट कॉल मी आंटी, ओके? मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ। तुम्हारी उम्र क्या है? 9 साल। मेरी उम्र जानते हो? तुम्हारी उम्र में एक लगाओ। 91? पीछे नहीं, आगे आगे। ओ मतलब 19। तुमसे थोड़ी ही बड़ी हूँ ना मैं। बाहर मेरे दुश्मन मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या आप मुझे हॉस्टल तक ड्रॉप कर देंगे? प्लीज प्लीज। अंकल, इस बेचारी लड़की को देखकर मुझे मेरी दादी की बहुत याद आ रही है। हेल्प कर दो ना प्लीज। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और साथ में समाज सेवा भी करती हूँ। स्टॉप 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 स्टॉप। आगे कॉर्नर पे मेरा हॉस्टल है, अगर आप मेरे साथ आएंगे तो लोग बेकार की बातें करेंगे। मैं यहीं से चली जाऊंगी। रिवर्स लो, रिवर्स लो। अरे रुकिए सर, सर 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 सर, प्लीज मत जाइए। सर ये लोग बहुत खतरनाक गुंडे हैं, आप इन्हें नहीं जानते। देखिए ना, उनके हाथ में हथियार भी है। सर फ्री में एक एडवाइस दे रही हूँ, गाड़ी में बैठिए और रिवर्स ले लीजिए। ए, तुम्हारे पास जितने भी हथियार है ना, सब पीछे छुपा लो। ये आदमी मामूली नहीं है, टाटा स्टील है। टेंशन क्यों लेता है, हम 7 लोग हैं। 7 ही हो ना, हम 17 थे तब भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाए। क्या बोल रहा है, 17 लोग थे? पहले हम 17 गए थे, बाद में कुछ और लोग भी आए, सबके हाथ पैर इसने बराबर कर दिए। क्या भाई मजाक कर रहे हो, आपने तो बोला था कि जीप पलटी हुई थी। जीप नहीं पलटी थी, इसने पलट पलट के मारा था। इसने हमारा पीस पीस कर कछुमर बनाया था। भगवान हमें पैर चलने फिरने के लिए देता है, इसने उसे लात मारने के लिए दिए हैं। इसने हमें इतनी लातें मारी कि हम तो वहीं ढेर हो गए। वो अपन को जानता नहीं है, समा लूला अपन का भाई है। ए, धीरे धीरे, यही वो आदमी है जिसने तेरे भाई को लूला बनाया है। मैं देखता हूँ इसे। गुड मॉर्निंग सर, गाड़ी का रेडिएटर गर्म हो गया था इसलिए हम छांव में खड़े थे। अब हम कॉलेज वॉलेज बंद नहीं करवाते सर, उल्टा रात में भी खोलने के लिए कहते हैं। वो सब मेरे फ्रेंड है सर। हाथ में क्या है? हाँ, खेलने का सामान। ए छोकरे लोग इधर आओ, जल्दी इधर आओ। हाँ, इधर दे सर। इसे स्टंप कहते हैं और इससे बॉल मारते हैं, आपने तो टीवी में देखा होगा। ये वही खेल है सर, और ये हॉकी है सर। ए चल बच्चों को बांट दे, ये भी तो खेलेंगे। मैंने बैट दियो। ये लो बच्चों, ते बॉल, तुम बॉल दुकान से खरीद लेना। ठीक है, ओके सर, चलते। ए चलो चलो, ए चलो ना। वाओ अच्छा है ना, दैट्स देखो। ये तो चमत्कार हो गया सर। सर एक डाउट है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप गुजरात के लगते हैं, ये लड़की फॉरेनर है और ये सरदार है, फिर भी आपको ये अंकल क्यों बुलाते हैं? अरे भाइयों, उन्हें क्यों बुला रहे हैं? जवाब नहीं देना है तो कोई बात नहीं। चलो। हेलो, मैं इन बच्चों के बारे में जाने बिना चैन से नहीं बैठूंगी। बाय। We'll be right back.
काबिल अफसर किडनैप होंगे? एसीएफ? तो इस बार वो 17 और अफसरों को किडनैप करने की सोच रहे हैं। इस बार हमें उन्हें धर दबोचना ही होगा। 712 कॉलिंग फ्रॉम कंट्रोल रूम, ओवर। चतुर्वेदी हियर, ओवर। सर, अभी एक फैक्स मैसेज मिला है। कुल 12 मैसेजेस भेजे गए हैं, जिनमें सरकार मीडिया भी शामिल है। सब अलग अलग सार्वजनिक जगहों से भेजे गए हैं, ओवर। इस बार पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट होगा। अब हमें किसी भी तरह अपनी इज्जत बचानी होगी। बहुत बड़ा सिरदर्द है ये। शाम को ये न्यूज आग की तरह फैल जाएगी, पूरे महाराष्ट्र में खलबली मच जाएगी। कोई नहीं जानता कौन सा डिपार्टमेंट है। सारे कर्मचारी मौत के साए में हैं। एक तरह से इसमें हमारा ही फायदा है। बजाय छुपकर वार करने के, वो अब हमारे सामने आ रहे हैं। इस बार वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएंगे। मिस्टर कीर्ति। यस सर। पूरे महाराष्ट्र में अलर्ट भेज दो। ओके सर। अगर किसी भी आदमी पर शक हो, उसे वहीं अरेस्ट कर लो। जी सर। जहां कहीं भी तुम्हें भीड़ देखे, उनका नाम पता नोट करो और उसके बाद छोड़ दो। ठीक है सर। हर 4-व्हीलर और 2-व्हीलर को तुम अच्छी तरह चेक करोगे 24 घंटे। ध्यान से सुनो, सभी सरकारी अधिकारियों को सूचना दी जाती है कि वो डरे नहीं। अधिकारी घर पर रहने के बजाय ऑफिस में काम करें। कर्मचारी अगर किसी संदिग्ध आदमी को अपने आसपास देखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने का कष्ट करें। सभी अधिकारियों को चेतावनी दी जाती है कि अनजान आदमी से दूर रहे। सारे अधिकारियों को चौकन्ने रहने की सलाह दी जाती है। सरकार यह आश्वासन देती है कि उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। एसीएफ के मेंबर कहीं भी छिपे हैं, हम उन्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। सर, आप इतने टेंशन में क्यों हो? आप ये टेबलेट ले लीजिए, आपका टेंशन कम हो जाएगा। अब पता नहीं किस डिपार्टमेंट का नंबर आने वाला है, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। सर, गलत मत समझिएगा, अगर वो हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पर हाथ रखे तो 15 में से आप ही नंबर 1 बनोगे। तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई? मुझसे ज्यादा प्रॉपर्टी तो रामेश्वर पाटिल के पास है। 80 करोड़, आपसे 10 करोड़ कम ही है। और रत्नागिरी के बाबू भाई? उनकी 60 करोड़ है, आपसे वो 30 करोड़ कम है। ऐसा कैसे सब लोग मुझसे कम क्यों है? अगर मैं अभी से घूस लेना बंद कर दूंगा तो नेक्स्ट मंथ रामेश्वर मुझसे जरूर ज्यादा हो जाएगा। नहीं होगा, जब कमाटीपुरा के कलेक्टर को लटकाया गया था तो वो भी घूस लेना बंद कर चुका था। पर वो रत्नागिरी का बाबू भाई, वो तो मुझसे ज्यादा घूस लेता है यार। आप नहीं जानते सर, अब वो लेने के नाम पर आपकी तनख्वाह भी नहीं लेने जाता। अरे रे रे, मैंने इतना घूस लिया ही क्यों? नमस्कार सर। वो रोड का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके दे दीजिए सर, हम पहले ही 40 लाख रुपए दे चुके हैं। चाहो तो और पैसे ले लीजिए सर। इतने भले इंसान हैं आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते मेरा बीपी बढ़ गया था। इस सूटकेस में आपके दिए हुए 40 लाख है, इसे वापस अपने साथ ले जाइए। पकड़िए, रुकिए रुकिए, मेरे साथ आप बाहर आइए। आइए आइए। सुनो भाइयों, मेरे ऑफिस में कोई छुपा रुस्तम है जो मेरे घूस लेने पर यह अफवाह फैला रहा है कि मैं करप्ट हूं। ये देखिए, ये पैसे मैं इन्हें लौटा रहा हूं जो मैंने गलती से लिए थे। ऐसी कमाई मुझे नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं अगर किसी को जरूरत है तो आकर मुझसे लेकर जाए, लेकिन कभी भी घूस लेने के बारे में सोचना भी मत। अगर देश को सुधारना है तो सबसे पहले हमें सुधरना होगा। जय हिंद। अब कौन सा डिपार्टमेंट पकड़ा जाएगा पता नहीं है, सब डरे हुए। यस, कंट्रोल रूम। सर, हम फंस गए सर। इस बार उनका हमला हमारे डिपार्टमेंट पर हुआ है सर। अब तक 8 SP गायब हो चुके हैं सर। हमारे ही डिपार्टमेंट पर हमला? पब्लिक को पता चला तो थूकेंगे हम पर। छी, पूरे स्टेट में मैसेज भेज दो कि सब पुलिस वाले एक दूसरे की हिफाजत करें। हमारा तो बैंड बजा दिया इसने। डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराइए मत, हम सबको संभाल लेंगे। पुलिस आपकी हिफाजत के लिए ही है। इस बार हम उसे ढूंढ कर जरूर पकड़ लेंगे। वो कहीं भाग नहीं सकता। वो नहीं जानता कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हमारे रहते हुए किसी का नुकसान नहीं कर सकता। हमारे डिपार्टमेंट ने उसे पकड़ने के लिए पूरा बंदोबस्त कर रखा है, तो इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। सर, 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 अगर किसी पर जरा सा भी शक हो तो पुलिस को जरूर बता दीजिएगा। क्या है, क्या हुआ? इस बार हमारे डिपार्टमेंट से किडनैप हुए सर। अब तक 8 SP गायब हुए हैं। सरकार का आदेश है कि जल्द से थाने पहुंचिए। चलिए अभी। सर, खुद की हिफाजत हो जाए तो हमारी कर लेना। साधारण जनता और सरकारी कर्मचारियों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम पुलिस वाले
ओवर टाइम करके भी आप लोगों की हिफाजत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए ए, कौन हो तुम? मिस्टर सुबीराज उम्र 37 साल खरसौली, मिस्टर भास्कर राव उम्र 38 साल राजपुरा, मिस्टर अनंत बापू उम्र 49 साल पत्तूरबाड़ी, मिस्टर हीरामन मोहिते उम्र 53 साल उस्मानाबाद, मिस्टर दत्ताराम सावंत उम्र 37 साल नीलमगढ़, मिस्टर नरेश घोड़के उम्र 52 साल मोहम्मदपुरी, मिस्टर शैलेश बाबू राव उम्र 42 साल नामक्कल, मिस्टर ज्ञानेश्वर राव उम्र 44 साल खेड़पुर। पिछले 3 दिनों से 15 पुलिस वाले पता नहीं कहां गायब हो गए हैं, और गायब हुए ये पुलिस वाले एसपी रैंक के बताए जाते हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें खोजने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। ये सरकारी कर्मचारियों के गायब होने की दूसरी बड़ी घटना है। इसकी वजह से जनता के बीच में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। किडनैप होने की जगह पर केंद्र से अतिरिक्त पुलिस बल के जवानों को बुलाकर तैनात किया गया है। अब समाचार समाप्त हुए। ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब पेश है भूली बिसरी यादें। अरे चलो चलो जल्दी उतरो, जिसको उतरना जल्दी आगे आ जाओ। चल भाई चल आगे चल। ए, हम कोई भेड़ बकरी है जो 3 दिन से बांध कर रखा है साले कुत्ते? हमारे साथ खेल रहा है? तू पुलिस वालों को नहीं जानता, वो तेरी जबान हलक से खींच लेंगे। तू जानता तूने किसको किडनैप किया है? चुप। जानता हूँ। नाम नरेश घोड़के, अंग्रेजी कैलेंडर से 1994 का साल, मार्च का महीना और तारीख 24, दिन शुक्रवार, मोहम्मदीपुर में तुमने एसपी की ड्यूटी ज्वाइन की। ज्वाइन किए हुए अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे कि जहरीली शराब पीने से 16 लोग मौत की नींद सो गए। शराब के डीलर को बचाने के लिए तूने उस हादसे को एक्सीडेंट दिखाया। जो पहली घूस तूने उससे ली वो 15 लाख की थी। तेरी पोस्टिंग तो दूसरी जगह हो गई, पर वो शराब का डीलर नहीं सुधरा। उसने फिर से 3 वारदातें ऐसी ही की। तूने उसे फिर से बचाया। फिर तेरी पोस्टिंग अमरवाड़ी में हुई। पुलिस स्टेशन के अंदर एक औरत का रेप हुआ। जब तक तू वहां पर रहा तेरी घूस की रकम का टोटल पहुंच गया था 43 लाख के आसपास, और उसी रकम से तूने अपनी बीवी के नाम सलेपुर खेड़ा में एक जमीन खरीदी, और उसके बाद तिमादपुर, अकोटू, तुतरिया, थाने, इन जगहों पर तेरी पोस्टिंग हुई। घूस पहुंच गई करोड़ों में। तेरी वजह से मरने वाले थे 63 लोग। मंगलवार जिस दिन तू किडनैप हुआ शाम 4:35 पर तूने आखिरी घूस में जो रकम ली वो 6 लाख थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी किसी को मारने का हक नहीं है, पर तुम्हें इस हक से नवाजा गया है। जानते हो क्यों? ताकि एक पिता अपने बदमाश बच्चे को सुधारने के लिए सबक सिखा सके। कई ईमानदार पुलिस वाले कर्तव्य निभाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उनके नाम पर कलंक हो तो गर्व महसूस करो। तुम ही वो आदमी होगे जो पूरे डिपार्टमेंट से करप्शन दूर करेगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। यही वो शब्द है जिसे हमारे कानून से हटा देना चाहिए। ये देखा, पढ़ो। मैंने पहले भी कितनी बार कहा था ये किसी सरफिरे अकेले इंसान का काम नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब देखो पुलिस डिपार्टमेंट को ही सबक सिखा दिया है। ये बूढ़े जाके खोजेंगे उसे। अरे शांत हो जा, क्या कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? वो लोग आते ही होंगे। आने दो। अच्छा सुन, तू इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था ना, उसका क्या हुआ? बस वो मेरे हाथ में आ ही गया। तू झूठ तो नहीं बोल रहा? ये सलीलपुर खेड़े के सारे सरकारी कर्मचारियों के नाम है। सबकी छानबीन करने के बाद सिर्फ एक आदमी निकला जो घूस नहीं लेता। देखो पहला वाला, इसने पिछले साल ही 25 एकड़ जमीन खरीदी है, तो ये नहीं है। अब ये वाला, इसने अपने बेटे के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की 3 लाख रुपए की फीस भरी, तो ये भी नहीं है। इसने अभी अभी एक महंगी गाड़ी खरीदी है,
और इसने अपनी लड़की के दहेज में 1.5 लाख रुपए दिए हैं। ये तो बहुत करप्ट है। इन सारे लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से घूस ली है, लेकिन इस 47वें आदमी ने एक पैसा घूस नहीं ली। इसका नाम कुमार है, तनख्वाह 10,000, अकाउंटेंट है, घर का किराया 3,000, एक स्कूटर है जो इंस्टॉलमेंट में लिया था, बच्चा म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता है और यह अब तक लायंस क्लब में 30 बार खून डोनेट कर चुका है। तो यही वो आदमी है जो अपने साथियों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। हो सकता है, चांसेस तो है। अब देखो, करजत तालुका के भी सरकारी कर्मचारियों की ये लिस्ट है। यहाँ पर भी एक आदमी जाकिर हुसैन बिल्कुल ईमानदार है, एडी है, 14,000 तनख्वाह, किराए का घर, उसकी छोटी बहन ने हिंदू से प्यार किया तो इसने उनकी शादी करा दी, ऑफिस का सबसे ईमानदार आदमी है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो कुमार भावे और जाकिर हुसैन दोनों में कोई समानता नहीं है। एक हिंदू है, दूसरा मुस्लिम है, एक पालमपुर स्कूल में पढ़ा है, दूसरा करजत में पढ़ा है, एक पालमपुर के रेंजर कॉलेज का है, दूसरा पुणे के बिशप कॉलेज का। हो सकता है दोनों ने जिंदगी में कभी एक दूसरे को देखा भी ना हो, फिर भी इन दोनों में कुछ तो ऐसा है जो समान है, और वो ये है इन दोनों के बीच की कड़ी। ऐसे ही आदमी महाराष्ट्र के सारे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच की कड़ी है। हर ऑफिस में वो अपना एक आदमी कैसे डाल सकता है? ये छोटी मछली फंसेगी तो बड़ी अपने आप पकड़ी जाएगी। दीदी, दिन भर तुम यही रहती हो, तुम्हारा कोई घर बार नहीं है क्या? क्योंकि मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पैदा कर लो ना। नहीं, ज्यादा बोलेगा तो मार खाएगा। आंटी, महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय का चीफ सेक्रेटरी कौन है? वो मेरे अंकल का बेटा है, उनका नाम है अभय भास्कर IAS। अभय भास्कर ABH। बेटा, अब चीफ सेक्रेटरी बदल गए हैं, अभय भास्कर नहीं है, मले चौधरी है, मले चौधरी IAS। मैं उनके ऑफिस में उनसे कल ही मिलकर आई हूँ, उनके नेम प्लेट पर उन्हीं का नाम लिखा है। बच्चों को गलत चीजें मत बताओ। झूठ नहीं बोल रही हो, यकीन करो, लगाते हो शर्त? हेलो सेक्रेटरीट। हेलो मिस्टर अभय भास्कर, मेरे अंकल के बेटे हैं, कैन आई स्पीक टू हिम? नहीं मैडम, अभय भास्कर का कल रात को ही पुणे में ट्रांसफर हो गया है और आज सुबह से ही मले चौधरी ने चार्ज लिया है। अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात करा सकता हूँ, क्या मैं कॉल ट्रांसफर करूँ? नहीं थैंक्स। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं उनसे सुबह मिलने गई थी, हो सकता है शाम को उनका ट्रांसफर हो गया हो। ठीक है, होम सेक्रेटरी कौन है, उनका नाम बताओ। मिस्टर मुरली वोहरा। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास। PWD मिनिस्टर कौन है? मिस्टर पीताम्बर काले। ठीक है, ये बताओ सेक्रेटेरिएट में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? तुम जानना क्या चाहती हो? महाराष्ट्र राज्य की पूरी जनसंख्या है 12,78,00,000, जिसमें आदमी 58,24,000 और औरतें 54,13,000। इसमें रजिस्टर्ड वोटर हैं 8,06,00,000 लोग और यहाँ का सेक्स रेशियो 929 के आसपास। पुरुष साक्षरता 79.8%, स्त्री साक्षरता 75.5%। 3,17,00,000 लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। खेती योग्य जमीनें 7,700 स्क्वायर किलोमीटर, खराब जमीनें 2,500 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ कलेक्टर हैं कुल 32। पूरा महाराष्ट्र 5 भागों में बटा है, जिला परिषद 33, गवर्नमेंट हॉस्पिटल 578। मरीजों के हिसाब से औसत निकालो तो एक बेड पर 122 लोग। टोटल पुलिस स्टेशन सिर्फ 1487, पुलिस वाले 91,203, टोटल जेल 145, रेलवे स्टेशन 414। महाराष्ट्र पर वर्ल्ड बैंक के लोन का टोटल है 7,500 करोड़। हर रोज 4 मर्डर, 3 रेप और 58 चोरियां। हर घंटे पर 127 बच्चे पैदा होते हैं जिसमें से 44 मर जाते हैं। ए बिटिया, नई आई हो, मास्टर की रिश्तेदार हो? माँ जी, वो गोरी लड़की, सरदार बच्चा और एक सांवला लड़का, ये सब बच्चे कौन हैं? मास्टर जी के साथ इनका क्या संबंध है? ये सब अनाथ बच्चे हैं। जानती हो वो गोरी लड़की कौन है? कुछ समय पहले कश्मीर की वादियों में एक बाहर से आए अंग्रेज परिवार को जिंदा जला दिया गया था। ये लड़की वहाँ से भाग के यहाँ आ गई। इसके माँ बाप और दो बड़े भाइयों को इसके सामने जिंदा जला दिया गया था।
मास्टर इसे ले आया और अपने पास रख के इसकी देखभाल कर रहा है। और वो सरदार बच्चा है ना, उसका सारा परिवार पटना में गंगा जी को नाव से पार करते समय उसी में डूब गया था। और वो लड़की है ना, गुजरात में बड़े भूकंप में उसका परिवार मारा गया और वो सांवला बच्चा रास्ते पर मिला। रात भर वो माँ माँ कह के रोता रहता था। रात भर ये मास्टर उसे अपनी गोदी में उठाए कमरे में टहलता रहता। लोग तो अपने बच्चों की भी इतनी देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन मास्टर को देखो, अनाथ बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालता है। मैंने जिंदगी में ऐसा भला इंसान नहीं देखा। कुछ दिन पहले ही इनके उदास चेहरों पर हंसी आई है। सेकेंड फ्लोर पर जाइए और इसका टेस्ट करवाइए। ठीक है। इसे क्या हुआ? साइकिल से गिर गया था, पैर में चोट लग गई है। इसके 8 टेस्ट करवाइए। बेसमेंट में ही हमारी लैबोरेटरी है। जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, आप हमारे डॉक्टर से मिल लीजिएगा। छोटी सी खरोच के लिए इतने टेस्ट? क्यों बेटा, बहुत दर्द हो रहा है? डर लग रहा है, इंजेक्शन नहीं लगवाना। बस हल्का सा बुखार था और दुनिया भर के टेस्ट कराने के लिए कह दिया इन्होंने मुझे। मैं सरकारी से प्राइवेट हॉस्पिटल में आ गया ये सोच के कि यहाँ मेरा इलाज ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अब लगता है कि मैंने गलती कर दी। ये टेस्ट करवा के तुम डॉक्टर से मिल लेना, मैं बैंक से जाकर पैसे निकालता हूँ। ओके। तीन नंबर वार्ड की सरोज को लेबर पेन शुरू हो गया क्या? जी हाँ डॉक्टर, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, सीजरीन ही होनी चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो पेशेंट 2 दिन में घर चला जाएगा। अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो पेशेंट को 15,000 और देने पड़ेंगे और 10 दिन का बेड रेस्ट भी करना पड़ेगा। जल्दी से फॉर्म भरवा लो और पैसे कैश काउंटर पर जमा करने को कहो और उसे ऑपरेशन के लिए रेडी करो। डॉक्टर धीरे से चलो। क्या हुआ? इसके सारे टेस्ट हो गए ना? क्या कहा डॉक्टर ने? इसे बस एक दवा लगाकर पट्टी बांधी गई है। ट्रीटमेंट और टेस्ट के नाम पर 9,500 का बिल बना दिया है इन लोगों ने। एक छोटे से चोट का 9,500 का बिल। ठीक है, तुम यही रहो, मैं जरा पेमेंट करके आता हूँ। हाँ ठीक है। दर्द हो रहा है क्या? ओनली कैश, ओनली कैश। वो इमरजेंसी वार्ड की सावित्री के हस्बैंड हो ना? हाँ सर। तुम्हारी वाइफ कल ही मर गई। क्या? मुझे बोला गया था कि बिना पैसे लिए बताना मत। कैसे मर गई? कल 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 जब मैं कल यहाँ आया था तब क्यों नहीं बताया? तुमने पैसे आज भरे ना, इसलिए आज बताया मैंने। धोखेबाजो, आखिरी समय में उससे बात भी नहीं करने दी। पैसों के पुजारी है ये, कैसे लोग है ये। मेरी बीवी कल शाम को ही मर गई, पर इन लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। आज मैंने मंदिर में उसकी जिंदगी की भीख मांगी। पिछले एक हफ्ते से इन्होंने जितना पैसा मांगा मैं घर बार बेच कर लाया। और कितना पैसा चाहिए बताओ, मैं लेकर आऊंगा। लेकिन मुझे मेरी बीवी चाहिए। मेरी बीवी को इन लोगों ने मारा है, मैं तो उससे बात भी नहीं कर पाया। रोना धोना बंद कर, ये सब तो चलता है। अगर औकात नहीं तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गया? तुम बच्चों के साथ घर जाओ, मैं सरकारी अस्पताल होकर आता हूँ। क्यों? तुम बस घर जाओ। तो भगवान की तरह आया है, हमारे पास तो इनके अंतिम क्रिया के भी पैसे नहीं है। माता जी आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं सब देख लूंगा। मेरी 2 जवान बेटियां हैं, अब उनकी पढ़ाई और शादी का क्या होगा?
माँ जी आपको यहाँ सिग्नेचर करनी होगी, आपको लिखना आता है ना? हाँ लिखना आता। तो यहाँ साइन करो। इन्हें सर्टिफिकेट दे दो। माँ जी ये डेट सर्टिफिकेट है, इनकी मौत सुबह 7:40 को हुई है, इसे दिखाओगी तो मुर्दा घाट वाले इसे जला देंगे, समझ गए? ये मुझे दे दो। ये लो। ये वाली गाड़ी नहीं, दूसरी वाली। सर इमरजेंसी वार्ड किधर है? आगे जाके राइट। चल चल, चल। जल्दी 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 जल्दी। अब डॉक्टर डॉक्टर, ये घर में गिर पड़े, न जाने कैसे बेहोश हो गए, कुछ भी करके इन्हें बचाइए। आप बाहर जाइए प्लीज। नर्स इनको बाहर ले जाइए। डॉक्टर चलो, 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 आप बाहर कैसे भी करके इन्हें बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज। ये तो मर चुका है, मेरे ख्याल से यहां लाते वक्त मरा होगा। अब क्या करें? सिर्फ हम जानते हैं कि यह मर चुका है। इसके रिश्तेदार तो बस यही समझते हैं कि गिरकर बेहोश हो गया है। इसका ट्रीटमेंट चालू रखते हैं। सीरियस केस कहकर इसका ट्रीटमेंट तो हम दिन भर चला ही सकते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, हम ऐसा काम करते हैं, इसे वेंटिलेटर पर रख देते हैं। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, घबराइए नहीं, हम उन्हें बचा लेंगे। अरे कैसे बचाएंगे? माता जी आप धीरज रखिए, ये कैसे भी करके उन्हें बचा लेंगे। देखिए इनकी ट्रीटमेंट पर काफी खर्च होगा, आप उठा पाएंगे ना? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं पानी की तरह पैसा भर दूंगा। तो आप काउंटर पे 50,000 रुपए जमा करवा दीजिए जी, तभी एडमिशन प्रोसेस पूरा होगा। जरा जल्दी कीजिए। हाँ। आप पेशेंट के नाम पर ही बिल बनाइए। डॉक्टर साहब पैसे जमा करा दिए मैंने। सेकंड फ्लोर पर मेडिकल स्टोर है, वहीं से दवा लेकर आना। बिल किस नाम से बनाऊं सर? बिल पेशेंट के नाम पर ही बनाइए। क्या कर रहे हैं, जल्दी कीजिए, दवाई दीजिए। ये लो मेडिकल में जाके वापस दे दो। पढ़ने भी नहीं देती है। ये लो सारी दवाइयाँ ठीक से गिन लेना। हाँ 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 हाँ। आप बस चुप रहिएगा, मैं जैसा कहूँ वैसा करिएगा। डॉक्टर साहब अब उनकी तबीयत कैसी है? उन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ है, उनका ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। हमने शहर के फेमस डॉक्टर सतीश शर्मा को बुला लिया है, बस वो आते ही होंगे। इनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह हो जाएगा, सिर्फ 2 लाख का खर्चा आएगा। कोई बात नहीं सर, आप उनसे भी बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाइए, मैं पैसे दूंगा। हेलो हेलो डॉक्टर, वेलकम। हेलो, आइए डॉक्टर, आइए आइए आइए। अच्छा हुआ कि आप आ गए। डॉक्टर साहब वो बच जाएंगे ना? सीरियस कंडीशन है, बीच में होश आया था, मैं तुम्हें बुलाने वाला था पर वो फिर बेहोश हो गए। 2 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। टेक केयर। ये क्या खेल चल रहा है, एक मरी हुई आदमी का इलाज कर रहे हैं? क्या तू दिन ब दिन पतली होती जा रही है, टाइम पे खाती नहीं क्या? मेरी वाली दवाई ली की नहीं? डॉक्टर साहब वो सब छोड़िए, इनका क्या करें, इनकी बॉडी बदबू मार रही है। ऐसा माहौल क्रिएट करो कि पेशेंट बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अभी डॉक्टर आकर कहेगा आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की पर मरीज को बचा नहीं पाए। आ,
आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन मरीज को हम बचा नहीं पाए। आपने अब तक 3 लाख खर्च किए हैं, आप बैलेंस के 2 लाख और भर दीजिए और इनकी बॉडी को घर ले जाइए। अब तो बॉडी यहां से तभी बाहर जाएगी जब आप 20 लाख रुपए देंगे। What? हम क्यों देंगे? कहा जाता है कि डॉक्टर और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक बात हमें आपसे जरूर छुपानी चाहिए कि आप पैसे की चिंता ना करें, बस मरीज को बचा लें, क्योंकि ये सुनते ही आपके कान खड़े हो जाते हैं। नहीं समझे? उस मरीज का गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने ये डेथ सर्टिफिकेट बनाकर दिया, फिर भी 8 घंटे से आप लोग उसका यहां इलाज कर रहे हो। इस बात का सबूत है ये रसीदें। इसलिए अपने हॉस्पिटल के एमडी को अभी इसी वक्त यहां पर बुलाइए। एक आदमी अपनी चलाकी से तुम लोगों को बेवकूफ बनाता है, ए? शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऑलराइट, ऑलराइट, मुझे बताओ उसके पास सबूत क्या है? कम ऑन, टेल मी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डेथ कंफर्मेशन सर्टिफिकेट और उस पर डेथ का टाइम भी लिखा है सर। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल का एडमिशन बिल, मेडिकल बिल और प्रिस्क्रिप्शन भी है सर। दत्त, पापा का फोन लगाओ, पापा से बात करता हूं। अरे क्या कर रहे हो, अच्छी तरह काम करो। सर आपके बेटे का फोन है। हेलो पापा, कुछ गड़बड़ हो गई है। इडियट, उल्लू का पट्टा, इतना बड़ा बिजनेस संभालते और छोटी सी बात से परेशान हो रहे हो। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन हॉस्पिटल की ईंट नहीं हिलनी चाहिए। पापा मैं अब क्या करूं? उस आदमी को यहां बुलाओ। तो अपना मुंह बंद रखने का, तुम्हें 20 लाख चाहिए। पूरे 23 लाख चाहिए, 3 लाख तो मेरे खर्च हुए। मार दो इसे। अबे कैसे मारेंगे? ए! मार डालो इसे। चाकू से मार। है कि चाकू है तेरे पास? कुछ होगा? आप जाके बोलो ना। सर ये शक्ल से ही बहुत भले आदमी लग रहे हैं, आप ही को सेटलमेंट कर लो ना। आउट, गेट आउट। माँ जी, इस बैग में पूरे 20 लाख रुपए हैं। अपनी बेटियों को पढ़ाइए और फिर इनकी शादी करवा दीजिए। इतने सारे पैसे? ये सब आपके पति ने कमाए हैं। हमारे पास तो इनके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे, तुमने आके हमारी जिंदगी संवार दी। जाइए। आप लोग इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं ना? इस दुनिया में कई तरह के धर्म हैं, कई तरह के भगवान हैं, लेकिन जब भी कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले यहां पर आता है, मंदिर मस्जिद में नहीं जाता है। सारे धर्मों के लोग जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वो आप लोग हैं, फिर भी आप लोग ही अपने धर्म को भूल जाते हैं। आप लोग पैसे के लिए लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। हमसे भूल हो गई सर, हमें माफ कर दीजिए। बस इसी शब्द को कानून से हटाना है।
ऑनरेबल कोर्ट का आदेश है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज को कोर्ट का अगला आदेश आने तक आज से सील किया जाता है, क्योंकि यहाँ आने वाले मरीजों की जान को खतरा है। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे हटो हटो हटो, दरवाजा छोड़ो, दरवाजा छोड़ो, अरे दरवाजा छोड़ो, मत पीछे हटो। सर सर, आप गाड़ी से बिल्कुल मत उतरिएगा, उसने पैसे लेकर धोखा दिया हमें, उसने हमारे खिलाफ सारे सबूत प्रेसिडेंट को दे दिए हैं, सरकार ने हमारे खिलाफ कॉलेज के ग्रांट पे भी रोक लगा दी है सर, हमारे सारे पेशेंट सरकारी अस्पताल में शिफ्ट हो गए हैं। वो जिसने मेरे बच्चे को मारा है, कौन है वो जिसने मेरे हॉस्पिटल को बंद कराने की हिम्मत की है? तुम लोग क्या कर रहे थे? कौन है वो? क्या नाम है उसका? उसे लोगों ने देखा है, पर उसके ठिकाने के बारे में कोई भी नहीं जानता। 20 लाख पाने वाली वो औरत भी उसे सरकारी अस्पताल में मिली थी, वो भी उसे नहीं जानती। क्या बकवास है, वो ऊपर से टपका है क्या, जिसे धरती पर कोई नहीं जानता है? पर मुझे उसका नाम पता चाहिए, किसी भी कीमत पर। सर, हमारे हॉस्पिटल में CCTV है, रिसेप्शन का कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करता है, वो रिकॉर्ड हमारे पास है, अगर रिकॉर्डिंग को गौर से देखें तो शायद हमें उसकी शक्ल दिख जाए। जो करना जल्दी करो। तो हमें उस जगह पर टाइम पर पहुंचना चाहिए, समझ गए? अरे कैसा है भाई? अरे कितने दिनों के बाद मिले हैं, वो भी यहाँ पर। मीट माई फ्रेंड बालाजी, माई कॉलेज फ्रेंड। हाय, हम भी तो सेम कॉलेज में थे, पर मैंने तो इसे कभी नहीं देखा, ये वहाँ तो नहीं था। ए, हम दोनों ने BSc पंचानन कॉलेज से किया था, हमने MSc साथ ही किया है प्रेसिडेंसी कॉलेज से। BSc किसी कॉलेज से और MSc किसी और कॉलेज से किया जा सकता है ना? हमारे हॉस्पिटल में 16 ब्लॉक में 32 कैमरा लगे हैं, वो इमरजेंसी यूनिट में गया था, तुम हमें वहां वाली रिकॉर्डिंग दिखाओ। मैंने वही कैसे डाला है सर, प्लीज ये डिस्क डालिए ना, मुझे लिस्ट देखनी है प्लीज। अब आप ये जो दोनों नाम हाईलाइट हुए हैं, इन्हें अलग निकाल सकती हैं? कुमार भावे और जाकिर हुसैन। अब मुझे इनकी प्लेस ऑफ एजुकेशन चाहिए, जरा वो निकालिए ना प्लीज। कुमार भावे पढ़ता था केन्स रेंजर कॉलेज पालमपुर में, और जाकिर हुसैन पढ़ता था बिशप हेबर कॉलेज पुणे। देखिए, ये तो अंडर ग्रेजुएशन हुआ, इन्होंने BSc या BA कहां से किया है? 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। सर, इस बुक में डेड बॉडी एडमिट करने का टाइम 11:30, ये कैसेट इस समय 11:23 पर है, तो 7 मिनट में वो इस टीवी पर जरूर दिखाई देगा। फॉरवर्ड कर दो इसे, फॉरवर्ड करो। मतलब दोनों नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे? यस मैडम, अब आप सारे ऑफिस के रेड मार्क वाले जितने भी नाम हैं वो सारे बाहर निकालिए। हाँ करेक्ट, अब इन्होंने BSc BA कहां से किया वो दिखाइए।
कमाल है, इसमें तो हर आदमी नेशनल कॉलेज में पढ़ा हुआ दिख रहा है। That's it. मतलब ये सारे लोग नेशनल कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। महाराष्ट्र राज्य के अलग अलग ऑफिस में वहां का एक स्टूडेंट तो जरूर होगा। ये सब किसी एक आदमी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। अब मुझे ढूंढना होगा इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड। वो रहा सर, वो रहा। रिवाइंड करो, रिवाइंड करो। ज़ूम करो, ज़ूम करो। और ज़ूम करो। ये आदमी तो 9 साल पहले मर चुका है। क्या भाई, किस खुशी में मिठाई बांट रहा है आज? मुझे तुम्हारी तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है। प्रमोशन होगा इसीलिए जल्दी होगा। लोग प्रमोशन होने के बाद मिठाई खिलाते हैं, ये प्रमोशन होने से पहले ही मिठाई खिला रहा है। सर दिमाग खराब हो गया इसका। वो कौन आदमी हो सकता है जो सारे घूसखोरों की इन्फॉर्मेशन किसी एक को भेज रहा हो? ये आदमी तो वही हो सकता है जो घूस ना लेता हो। व्हाट अ ग्रेट आइडिया मिस्टर कीर्ति। थैंक यू सर। अकल के अंधे हैं साले, अब अकल की बत्ती जली इनकी। सर एक और दिन की मेडिकल लीव चाहिए थी। क्यों? अब जब ये केस इतना उलझ गया है तब तुझे छुट्टी क्यों चाहिए? लेकिन मेरी इस छुट्टी से केस सुलझ जाएगा सर। क्या कहा, केस सुलझ जाएगा? बिल्कुल सर, इस केस के बहुत से सुराग इकट्ठा किए मैंने, बस कुछ और बाकी है। मेडिकल लीव का बहाना बनाकर मैंने ये सारी छानबीन की है। बस 2 दिनों में 2 और दिन की छुट्टी मिल जाए तो केस सुलझा लूंगा सर। सर 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 सर, लीव एप्लीकेशन है सर। सर प्लीज। हे, गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है सर, छुट्टी मत दीजिए मुझे, पर जो छानबीन की है उसके बारे में तो सुन लीजिए, उसके बाद जो आप ठीक समझे। बस मुझे प्रमोशन चाहिए। क्या हम यहाँ खाली बैठे थे जो तुम खोज लाए हो? अगर तुम्हें कुछ खोजने का शौक है तो 2 दिन से मेरा सिगरेट लाइटर खो गया, पहले उसे तो खोज कर लाओ, तब हम तुम्हारी खोज सुनेंगे। सर, सर मैं ये मजाक नहीं। बस करो, रूम से बाहर जाते हो या तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। सर हमारे पास वोटरों की संख्या तकरीबन 31 लाख है, हमारे पास उसकी जो फोटो है वो इन सब से नहीं मिल रही है, इसीलिए मैं सोच रहा था। ज्यादा सोचो मत, मुझे वो आदमी चाहिए, वो भी जिंदा। यस, व्हाट डू यू वांट? सर मैं ACF केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, आपके एक कॉलेज स्टाफ को अरेस्ट करना है। क्या कहा, अरेस्ट करना है? यस सर। इस केस को हैंडल करने वाले पुलिस ऑफिसर तुम हो? ऑफिसर वो है पुलिस, मैं हूँ। वो है मैं हूँ, इनफैक्ट मैं जीप चलाने वाला कांस्टेबल हूँ। कांस्टेबल हो? सर सर सर, उन्हें फोन मत कीजिए, मैं उनकी इजाजत के बगैर आया। काम करते हो पुलिस में और करते हो धोखाधड़ी। प्रमोशन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, आपके फोन से मेरी नौकरी चली जाएगी सर। मैं दोबारा जरूर आऊंगा। राशन कार्ड? ACF का अगला निशाना राशन का दफ्तर। ACF का अगला निशाना राशन का दफ्तर। पिछली बार उसने वारदात को अंजाम देने के लिए सिर्फ तारीख दी थी, पर इस बार खास तौर पर उसने राशन डिपार्टमेंट का नाम लेकर हमें चुनौती दी है। समस्या ये नहीं है कि हम उन्हें कब पकड़ पाएंगे,
समस्या ये है कि हम राशन डिपार्टमेंट वालों को उनके चंगुल से कैसे बचाएंगे। सर, पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 24,000 राशन की दुकानें अलर्ट की गई हैं। उन सब लोगों को सिक्योरिटी देना कोई मजाक नहीं है सर। वो लोग राशन की दुकान चलाने वालों को किडनैप नहीं करने वाले। मेरे हिसाब से वो उन 15 लोगों को किडनैप करेंगे जो घूसखोरी में नंबर 1 है। हमें उन 15 लोगों को खोजने के बाद उनकी सिक्योरिटी के लिए कम से कम 2,000 पुलिस वालों को तैनात करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हम इस किडनैपिंग को 100% रोक लेंगे। पर 15 ऐसे बड़े घूसखोरों को हम इतने लोगों में से कैसे पहचानेंगे? ये उसका ही तरीका है। इससे होगा ये, जो लोग भी घूस लेते होंगे उनको जब ये पता चलेगा तो अपनी जान बचाने के लिए वो 15 लोग अपने आप ही हमारे पास आएंगे। जितना पैसा उन्होंने कमाया है उससे कहीं ज्यादा वो अपनी जिंदगी की कीमत समझेंगे। राइट। इस पूरे राज्य के राशन के दफ्तरों में मैं इसकी इमीडिएट अनाउंसमेंट करवा देता हूँ और इस तरह हम उन 15 सबसे बड़े घूसखोरों को खोज लेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में काउंटर ओपन किए गए हैं। सर, मुंबई हेडक्वार्टर से फोन है। हाँ, हेलो। पहले हमें यह जानना होगा कि ये 15 लोग हैं कौन। क्या किसी ने कबूल किया है? एक दो लोग नहीं है सर, यहाँ पर वो हजारों की संख्या में आए हैं। यहाँ पर जल्दी आइए। सर सर, मैं ही नंबर 1 हूँ सर। मुझे सिक्योरिटी चाहिए सर, चाहे मेरी नौकरी ले लीजिए पर मेरी जान बचा लीजिए सर। आज तक मैंने 2 करोड़ की घूस ली है सर। अगर भरोसा ना हो तो मेरी फाइल में देख लीजिए सर। सर, ये झूठ बोल रहा है। नंबर 1 मैं हूँ। मैंने चावल के करोड़ों बोरियों का घपला किया है सर। मैं बाहर रहा तो मुझे बाहर डालेंगे। प्लीज मुझे अंदर कर दीजिए सर। सर, बिना राशन की दुकान खोले ही मैंने करोड़ों का राशन बेच दिया है सर, मुझे अंदर कर दीजिए। उन 15 लोगों में मुझे भी शामिल कर लीजिए, मैं एहसान मानूंगा, उसके लिए 50 लाख दूंगा। पर भाई, तू मुझे क्यों फंसा रहा है? हटिए हटिए हटिए, कृपया शांत हो जाइए। कौन है ये लोग? सर, सबको लगता है कि नंबर 1 वही है। सब बहुत डरे हुए हैं सर। छी। सर, ये तो यहाँ का हाल है। उत्तर मुंबई में, पश्चिम मुंबई में, सब जगह यही हाल है सर। और कई शहरों में तो ट्रैफिक जाम हो चुका है सर। क्या हुआ सर? उसने हम सबका ध्यान राशन डिपार्टमेंट की तरफ करके 15 PWD अफसरों को किडनैप कर लिया। ये मैसेज अभी अभी मिला। Hey, don't move. हिलो मत, बिल्कुल मत हिलना। एक गेट बंद कर दो, फाइलें जमा कर लो। सर, मैं तो बहुत शरीफ बंदा हूँ सर। ये तो सबकी फाइल बताएगी, फिर पता चलेगा। सर सर, इस तरह के बदले हुए हालात को देखकर अब आप क्या एक्शन लेने वाले हैं सर? इनकी फाइल चेक करने के बाद अगर हमें कोई सबूत मिला तो उन सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक हफ्ते के अंदर पूरे महाराष्ट्र से 25 नौजवान राशन ऑफिस के डिपार्टमेंट में भर्ती किए जाएंगे। क्या हुआ? PWD के 15 लोगों को किडनैप किया। हाँ तो? उनमें से एक है अपने गोपी का बाप। अच्छा, क्या गोपी को इस बारे में पता है? वो नहीं जानता। मास्टर जी, गोपी आ गया। मास्टर, मास्टर, मैं आपको एक गुड न्यूज देने आया हूँ। ये अमेरिका में छपने वाली टाइम मैगजीन है। इसमें हमारे ग्रुप पर एक आर्टिकल छपा है, ACF एलिमिनेट्स करप्शन इन इंडिया। इसमें लिखा है, भ्रष्टाचार से भरे भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक क्रांति हुई है, एक एंटी करप्शन फोर्स बनी है जो भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दे रही है। इसलिए महाराष्ट्र के भ्रष्टाचारी समुदाय में डर फैल गया है। अगर ऐसा ही सारे राज्य में हो जाए तो निश्चित तौर पर भारत बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। हमारे फोर्स के बारे में अमेरिका जैसे देश की किसी मैगजीन में छपना हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है सर। मास्टर, क्या हुआ मास्टर? इतने दुखी क्यों हैं आप? आपको आज से पहले इतना उदास तो कभी नहीं देखा मैंने। गोपी, क्या हुआ? गोपी, PWD के जिन 15 लोगों को पकड़ा था उसमें तुम्हारे पिता भी हैं। और इतना ही नहीं, तुम्हारे पिता नंबर 1 पर हैं। अब आप क्या करेंगे? गोपी, किसी को माफ करना गलतियों को बढ़ावा देना है। अगर इस बार हमने किसी को नहीं, मास्टर,
अगर आप मेरे पिताजी को माफ कर देंगे तो मैं आपको माफ नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं मास्टर, कलेक्टर, पुलिस, एसपी, वो भी तो मारे गए हैं, उनके भी बाल बच्चे तो होंगे ही ना। डायबिटीज होने पर चाहे हमारे ही पैर क्यों ना हो, उन्हें भी काटना तो पड़ता ही है। मैं चलता हूं मास्टर। मास्टर, मास्टर, पापा को मारते समय ज्यादा तकलीफ मत देना। भले ही वो एक बुरे पिता हो, पर मैं तो अच्छा बेटा हूं। मुझे तुम लोगों पर गर्व है। लोगों का मानना है कि आज का युवा सिर्फ लड़कियों के पीछे भागता फिरता है, जबकि देश के भविष्य को बदलने की शक्ति सिर्फ उसी युवा में होती है। कितने पैसे हुए भैया? 100 रुपए या 150 रुपए? नहीं, 35 रुपए और 60 पैसे हुए हैं। क्या बात है, बोरीवली से शास्त्री नगर तक 125 रुपए होते हैं, फिर 35 रुपए कैसे हुए? मीटर खराब है क्या? ऐसा नहीं है मैडम, मीटर तो पहले भी चलता था। वो तो आरटीओ वालों को, पीओसी वालों को, यूनियन वालों को और ट्रैफिक पुलिस वालों को इतने सारे पैसे देने पड़ते थे कि 35 रुपए की सवारी को हम घुमा फिरा के 125 कर देते थे, और अब 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता, तो हम गलत काम क्यों करें? वाह क्या बात है। इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, कमाल तो उस आदमी ने किया है जिसने सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर की हवा टाइट कर दी है। वाहवाही तो उसकी होनी चाहिए। मैं नास्तिक हूँ, लेकिन फिर भी मैडम, अगर उसकी फोटो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसकी डेली पूजा करूँगा। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। 3 लाख तो क्या, 30 लाख भी दोगे तो भी नहीं लूंगा। पैसे ले लो वरना बॉस हाथ काट देगा। अगर नहीं लूंगा तो बॉस सिर्फ हाथ ही काटेगा, अगर लूंगा तो वो गर्दन काट डालेगा। ओ तो तू उसकी बात मानेगा जो तेरी जान ले, हमारी नहीं सुनेगा। हाँ मास्टर जी, इसका असर दिखने लगा है। धीरे धीरे लोग सुधरते जा रहे हैं, पर अब एक नई समस्या जन्म ले रही है। अब गुंडे और बदमाश अधिकारियों को घूस लेने पर जोर डाल रहे हैं, कुछ जिद्दी अधिकारी मारे भी गए हैं। घूस लेने पर हमने मारने की धमकी दी है, उसी तरह उन्होंने भी घूस न लेने पर मारने की धमकी दी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो छोटे मोटे चंदी चोर भी किसी को भी खुलेआम धमकी देते रहेंगे। अगर अधिकारी सुधर रहे हैं, घूस लेने से डर रहे हैं, तो उन्हें गुंडे बदमाशों से बचाना हमारा ही कर्तव्य है। जो अधिकारियों को ईमानदार नहीं रहने देते, ऐसे लोकल टटपुंजिये दादाओं की जो पूरे महाराष्ट्र में फैले हैं, एक लिस्ट तैयार करो। चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, चाहे वो किसी के भी रिश्तेदार क्यों ना हो। मास्टर, ये पूरे महाराष्ट्र के उन गैंगस्टर्स की लिस्ट है जिन्होंने अपना धंधा चलाने के लिए कई शहरों के अधिकारियों को अपने गुंडे बदमाशों और ताकतवर नेताओं के जरिए जान से मारने की धमकी दी। वहां की पुलिस भी उनके खिलाफ कार्यवाही करने से डरती है, और जिन जिन अधिकारियों को टॉर्चर किया गया उन 15 लोगों के नाम भी इस फ्लॉपी में है। और इस फाइल में उन 15 लोगों के नाम हैं जो कई बिजनेस करते हैं, जिन्हें अधिकारियों से घूस न लेने की वजह से बहन का लॉस हुआ है, और वो इस घूसखोरी के सिस्टम को चलाए रखना चाहते हैं। उनकी वजह से आम लोगों के और ईमानदार अधिकारियों की हत्या में इजाफा हुआ है। हमने जो पेपर में न्यूज़ पढ़ी थी उसमें भी इसका ही हाथ था। इस आखिरी कदम के लिए हमें बहुत जागरूक रहना होगा, क्योंकि ये बड़े क्रिमिनल्स हैं, तो इस बार
पहले से बताने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन जब आप महाराष्ट्र के बारे में इतनी जानकारी विस्तार से दे रहे थे तब मुझे ताज्जुब हुआ था, पर अब मुझे खुशी हो रही है। बहुत से लोग आपका चेहरा देखे बिना ही आपसे प्यार करते हैं। जब मैं ये देखती हूँ कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ रह रही हूँ तो मुझे गर्व होता है। पर अब लोग सुधर गए हैं, अब ये सब लोगों पर छोड़ दीजिए। आप फिर से किसी को निशाना क्यों बना रहे हैं, छोड़ दीजिए। ज्यादा मत सोचो, अगर छोड़ दिया तो सब किया धरा बर्बाद हो जाएगा। वो फिर से इस देश को नर्क बना देंगे। आपने लोगों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन लोग ये भी नहीं जानते कि आप हैं कौन। एटलीस्ट उन्हें ये तो पता चले कि उनके लिए तकलीफें किसने झेली है। तुम्हें पता है तुम्हारे इस कुर्ते का कपड़ा बुनने वाला कौन है? क्या हमें पता है जो चावल हम खाते हैं वो किस किसान ने पैदा किए हैं? कभी जानने की कोशिश की है? जो चप्पल हम पैर में पहनते हैं वो किसने बनाई है? हम उसे नहीं जानते। जब भी हमें कहीं आना जाना होता है तो जिस बस में आराम से और निश्चिंत होकर जाते हैं उस बस ड्राइवर को क्या हम जानते हैं? हम चैन से रहें इसलिए तपती गर्मी में, गलाने वाली ठंड में आए दिन हमारे जवान सीमा पर अपनी जान कुर्बान करते रहते हैं। क्या उनको हम सब जानते हैं? उनको कोई नहीं पहचानता, उनके लिए कोई एहसान मंद नहीं होता। हम भी उन्हीं की तरह हैं। आखिर आप इतने जिद्दी क्यों हैं? इतनी अच्छाई की बातें करते हैं पर जिंदगी की कीमत नहीं जानते। मैं जानता हूँ इसीलिए सब कह रहा हूँ। तुम्हें सच्चाई नहीं पता इसीलिए तुम्हें बकवास कर रही हो। आओ मेरे साथ। तुम जानना चाहती थी ना मेरी फैमिली कहाँ है, आखिर वो कहाँ चली गई? देखो ये है मेरी फैमिली, देखो। मम्मी, मैंने भाई को देखा, वो हाथ समेट कर सांस ले रहा था। मैंने उसको प्यार किया लेकिन वो पापा की तरह काला है। स्कैनिंग में ऐसा ही दिखता है, पैदा होने के बाद उसके रंग का पता चल जाएगा। नहीं माँ, उसे वैसे ही रहने दो, हम दोनों गोरे और ये दोनों काले, तभी तो मैचिंग होगा। अरे एक बार और सर लड़ाओ, नहीं तो मेरे सींग निकल आएंगे। हर महीने रेगुलर चेकअप करवाते रहना। ओके डॉक्टर, थैंक यू, हैप्पी दिवाली। थैंक यू, सेम टू यू। तो चलें। प्रिया, शर्मी से जाकर अपने घर की चाबी। नहीं माँ, मैं उससे बात नहीं करती, मेरी उससे कटी है। आओ जा। इस आने वाली दिवाली को ना मेरे घर पे मेरा छोटा भाई आने वाला है। तो क्या हुआ, मेरा छोटा भाई तो 2 साल पहले ही आ गया था। मैंने तुम्हें चाबी लाने के लिए कहा था ना? क्यों, तुम दोनों दोस्त बन गए क्या? शर्मी, चाबी ला दो बेटा।
तुम मेहंदी क्यों लगा रहे हो? अरे प्रेग्नेंट औरत को मेहंदी लगानी चाहिए, दरअसल मैं जानता नहीं ना मेहंदी कैसे लगाई जाती है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तुम इतना क्यों हंसी हो? मेरा पति मुझे मेहंदी लगा रहा है, तुम्हें इसमें क्या? अरे हंसती चली जा रही है, पागल हो गई है? मम्मी ये मेहंदी नहीं है, पुदीने की चटनी है, पापा आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अरे मैंने मजाक किया था, अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी क्या? अरे अरे रुको रुको रुको, अभी बताती हूँ। भाई जाने दो ना, नहीं मिली मेहंदी तो क्या करता मैं। क्या तुम सही कह रहे हो? बिल्कुल सर, हमारी अपनी बिल्डिंग बनाने से पहले उस जगह पर एक बड़ा सा तालाब था, उसकी जमीन ठोस नहीं है, हमें वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाना ही नहीं चाहिए था, और इसकी परमिशन भी नहीं है सर। मेरे ख्याल से ये बात आपको पता होगी सर, अब कॉम्प्लेक्स के पास से फ्लाईओवर बन रहा है, वो जब वहाँ पाइलिंग करेंगे तो उसके बगल वाली बिल्डिंग्स हिल हिल कर गिर जाएंगी सर। तो क्या होगा? सर उन बिल्डिंग्स में 72 फैमिलीज रहती हैं, जब वो बिल्डिंग गिरेगी उसमें दबकर सब मर जाएंगे सर, इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए उन्हें कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। गधे हो तुम, तुम्हारी बात सुनूंगा तो जेल चला जाऊंगा मैं। शहर में 6 जगहों पर बिल्डिंगें बनाई है मैंने, अगर हर जगह से लोगों को शिफ्ट करते फिरेंगे तो मैं कहां जाऊंगा? यहां तक कि वो घूसखोर ऑफिसर हमें फंसाकर खुद निकल जाएंगे यहां से। अगर ये बिल्डिंग गिर भी जाएगी ना तो सबसे पहले वो घूसखोर फंसेंगे, और वो अपनी जान बचाने के लिए बस इसे एक हादसा साबित कर देंगे और इस तरह हम बच जाएंगे। सर आप बिजनेस की बातें कर रहे हैं और मैं इंसानियत की बातें कर रहा हूँ, ये दोनों एक ही हैं। अगर उन 72 परिवारों में मेरा भी एक होता ना तो भी मैं परवाह नहीं करता। प्रिया, प्रिया। हाँ पापा। बेटा सिल्वा अंकल के यहाँ जाकर जरा आज का पेपर ले आना। उनके यहाँ मुझे मत भेजो ना पापा, वो शर्मी मेरी दुश्मन है। क्या हो? दुश्मन, कट्टी वाली दुश्मन। चित्रा। हाँ। जरा शर्मी को बुलाना। शर्मी। जी आंटी। यहाँ आओ बेटा। मैं नहीं आऊंगी, प्रिया मेरी दुश्मन है। अंकल तुम्हें बुला रहे हैं, आओ। तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, दुश्मन कब से बन गए? इसने मेरी होमवर्क की नोटबुक स्केच पेन से खराब कर दी अंकल। इसने मेरे ज्योमेट्री बुक्स घुमा दिया था, इसलिए मैंने ऐसे किया। तुम दोनों ने इतनी सी बात के लिए आपस में दुश्मनी ठान ली? ठीक है, तुम्हें एक नई नोटबुक मिल जाएगी और तुम्हें एक नया ज्योमेट्री बॉक्स मिलेगा, अब तो दोनों दोस्त बन जाओ।
शर्मी, शर्मी बेटा आके खोलो बेटा, शर्मी शर्मी रामलाल, रामलाल, फाइल में ऑफिसरों को दिए गए घूस के सबूत हैं और इसमें सॉइल टेस्टिंग के घूस का सबूत है और इस फाइल में कॉर्पोरेशन में खिलाए गए घूस के डिटेल है सर। सिर्फ आप लोगों की लापरवाही की वजह से कितने लोगों की जान चली गई। 212 लोग मर चुके हैं, 113 लोग हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। कलेक्टर साहब, वहां पर तो पहले से ही तालाब मौजूद था, उस तालाब को भर के कॉर्पोरेशन ने उसे कचरा डालने की जगह बनाई और वो भी इनके डिपार्टमेंट ने। फिर इन्होंने रिश्वत लेकर उस जगह को बिल्डर को बेच दिया। माना कि हमने घूस लेकर उस बिल्डर को दिया था, लेकिन जहां मिट्टी की जांच होनी चाहिए थी वो तुम्हारा डिपार्टमेंट था। तब मिट्टी की जांच में ये बात निकलनी चाहिए थी ना। जानते हो कि उस जगह पर इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी की जा सकती, तो तुमने भी घूस लेकर मिट्टी की जांच की फर्जी रिपोर्ट क्यों बना दी? मुसीबत यही है, तुम दोनों के डिपार्टमेंट की वजह से हमारा भी नाम बदनाम हो रहा है। अच्छा, तुम तो दूध के धुले हो ना। 20 लाख की रिश्वत लेकर उस बिल्डिंग को किसने पास किया था? इतना ही नहीं, 40 लाख की रिश्वत लेकर NOC भी दे दी। चुप रहो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पूरे 40 लाख मैंने रख लिए हैं। DE साहब को 25 दिए थे और AD साहब को 7, बाद में मेरे लिए क्या बचा खाक।
हाँ क्या चल रहा है? इंक्वायरी चल रही है कलेक्टर साहब, तुम्हारी लड़की की मेडिकल की फीस के लिए 5,00,000 रुपए तुमने मुझसे लिए थे ना, मालूम है ना? मैंने वो क्यों दिए थे? अगर मैं ऐसी जगह फंसूं तो तुम संभालो। सर वो रामलाल, क्यों भाई ये सब कुछ सुनकर तुम्हें शॉक लगा ना? कलेक्टर भी दूध का धुला नहीं है, ये जो फाइलें हैं ना मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, यहां सब बिके हुए हैं, यकीन नहीं होता ना? तुम्हें दो चांस देता हूं, पूरे महाराष्ट्र में तुम जिसे चाहो शिकायत करके देख लो। हेलो, ये कमिश्नर साहब का ऑफिस है? यस सर। कल एक अपार्टमेंट के गिरने से कई लोग मर गए थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी, उसके सारे सबूत मेरे पास हैं सर। सॉरी रॉन्ग नंबर। ये सचिवालय है ना, होम सेक्रेटरी है क्या? जी बोलिए। सॉरी रॉन्ग नंबर। क्या हुआ, उसने रॉन्ग नंबर कहा है ना? मैंने कहा था ना सब बिके हुए हैं, सबको खरीद रखा है मैंने, सब गुलाम है मेरे। जो भी उस बिल्डिंग के हादसे में शिकार हुआ है उन सबको सरकार 1,00,000 रुपए दे रही है। तुम्हारे घर में तुम्हारी प्रेग्नेंट बीवी और बेटी थे ना, अगर तुम्हारी बीवी ने बच्चा पैदा कर लिया होता ना तो तुम्हें 3,00,000 मिलते, 1,00,000 रुपए चले गए, क्योंकि वो बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया, इसलिए घाटा हो गया। चलो वो छोड़ो, मैं तुम्हें 25,00,000 दूंगा तो 27,00,000 हो जाएंगे। तुम फिर से शादी कर लेना और नई जिंदगी की शुरुआत करना, समझदार बनो और ये फाइल दे दो। अरे पैसे नहीं लोगे क्या? Ah!
सबको बाहर भेजो। दरवाजा बंद कर दो। वो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे दूसरी जिंदगी दी। उन अफसरों को मारने के पीछे मेरी ये भावना कतई नहीं थी कि उनकी वजह से मेरा परिवार खत्म हो गया। मैं तो बस इतना चाहता था कि यह हैवान सुधर जाए। मैं जानता था कि उन्हें सबक सिखाने की ताकत सिर्फ स्टूडेंट्स में है। मैंने यूनिवर्सिटी से अपने सर्टिफिकेट्स दोबारा निकाले और पढ़ाने की नौकरी कर ली। मैं कॉलेज में एनसीसी का मास्टर बन गया। पूरे साल में 200 लोगों को तैयार करता था ताकि वो पूरे महाराष्ट्र के हर सरकारी दफ्तर में नौकरी करें। इन्हीं स्टूडेंट्स से मेरी ये बगावती सेना बनी, ACF, एंटी करप्शन फोर्स। ₹30 की घूस लेने वाला वो चपरासी था जिसने बिल्डिंग की टेंडर वैल्यू बद्री नारायण को लीक की थी। अगर उसने वो ₹30 की घूस न ली होती तो उसे ये बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ना मिला होता और वो अपार्टमेंट वहां पर नहीं बनता और ना ही लोग मरते। एक ₹10 की घूस भी लोगों की मौत की वजह बन सकता है। ये बदलना होगा, पर वो बदलने नहीं देंगे। इसीलिए उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। वो बद्री नारायण के लोग थे। अगर आप चाहते तो एक मिनट में मार देते, पर आपने ऐसा नहीं किया और आज भी आप उनसे बदला नहीं लेना चाहते। आप दोबारा पहले जैसे ही हालात पैदा हो गए हैं। आपके सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। वो मंदिर के बाहर वो ऑटो वाला कितना खुश था, उसी तरह गरीब आदमी की खुशी कहीं अधूरी ना रह जाए। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। कैसे हो भाई, तुमने पहचाना मुझे? तुम्हें इस कुर्सी पर बैठाने का जिम्मेदार मैं ही हूँ। आप कैसे जिम्मेदार हैं? मैं समझा नहीं। सीधी सी बात है, पहले जो इस कुर्सी पर बैठता था मैंने उसे मार दिया। न्यूज़पेपर में तो आया था, तुमने पढ़ा नहीं? तो आप चाहते क्या हैं? बस एक सिग्नेचर चाहिए इस फाइल पर, और कुछ नहीं। मैं चला जाऊंगा, नहीं तो इस कुर्सी पर कोई नया ऑफिसर आकर इस पर सिग्नेचर करेगा। ये हो ही ना बात, इसके लिए इनाम तो बनता है। पूरे 5 लाख हैं, अलमारी में रख लो इसे। नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। करप्शन खत्म हो गया क्या? पर डर तो बाकी है, तो मैं चलूं, मिलूंगा। उम्र लंबी है तुम्हारी। यकीन नहीं हो रहा है भाई, लोगों ने घूस लेकर फिर से साइन करना शुरू कर दिया। ये कैसे हो गया? घूस नहीं लिया पर साइन तो कर दिया ना। ये तो शुरुआत है, थोड़े दिनों में करप्ट हो जाएगा वो। अब ये खुशखबरी कई औरों को भी देनी है। हाँ, मैं फिर बात करता हूं। हेलो, दूधराम महाजन घर पर है? अच्छा हुआ आपने फोन किया। महाजन साहब पिछले 1 घंटे से गायब है और पता नहीं कहाँ चले गए हैं, और फोन भी नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, आ जाएंगे। हेलो। हेलो सर, मैं बड़े भैया के घर से बोल रहा हूँ। भैया ने आपको फोन किया था क्या? नहीं तो। वो पिछले 1 घंटे से गायब है। उनके चप्पल तो घर पर है पर वो नहीं है। सलीम पंजा और नागनाथ भी 1 घंटे से गायब है। जिन्होंने ऑफिसर को किडनैप किया था, लगता है उन्हीं लोगों ने गैंगस्टर पर हमला किया है। आप अपना ख्याल रखिएगा।
जिसे तुम इतने दिनों से तलाश कर रहे हो उसे सामने देखकर चौंक गए क्या? ACF नाम तो सुना ही होगा तुमने। 15 लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर तुम्हारा ही नाम है। देख क्या रहे हो, कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें। यकीन नहीं हो रहा है क्या? दो मौके हैं तुम्हारे पास पूरे महाराष्ट्र में, जिसे चाहो फोन कर। हेलो, मैं बिल्डर बद्री नारायण बोल रहा हूँ। ACF का रामलाल मुझे किडनैप कर रहा है। किसका नंबर चाहिए आपको? ये कमिश्नर का ऑफिस है ना? नहीं, ये कमिश्नर का ऑफिस है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, ये कमिश्नर का ऑफिस है। कोई गुजराती थाली का ऑर्डर दे रहा है। नहीं सॉरी, रॉन्ग नंबर। सॉरी, रॉन्ग नंबर। क्या हुआ, सबने रॉन्ग नंबर ही कहा ना? इस दुनिया में सब बिकाऊ नहीं होते। सांप ही ऐसा है जो भूख लगने पर अपने बच्चे को खा जाता है, लेकिन अपने बच्चे की मौत के बाद भी तुम नहीं सुधरे। ऊपर से जो सुधर रहा है उसे तुम फिर से घूसखोर बना रहे हो। जो मेरे जिंदा रहते कभी नहीं होगा। आज का पेपर पढ़ा क्या? पूरे महाराष्ट्र में 15 गैंगस्टर किडनैप हुए हैं। ईमानदार लोगों को मारने वाला फांसी पर चढ़ेगा। कई लोग एक ही गुंडे के नाम पर हमें डराते हैं। उनके किडनैप होने से ये सड़क छाप गायब हो जाएंगे। यहाँ तक कि जेब कतरे भी डरे डरे भागे फिर रहे हैं। लेकिन पता नहीं इसके पीछे किस भले आदमी का हाथ है। खोज तो रहे हैं पर पता ही नहीं चल रहा। ऐसे पता नहीं चलेगा, कोई आसमान से उतर कर आएगा तो ही वो उस आदमी का पता कर पाएगा। इतने दिनों तक क्या कर रहे थे? यहां बैठकर घास काट रहे थे क्या? अब तक वो 3 वारदातें कर चुका है, 3 ऑफिसर मारे जा चुके हैं, लेकिन हमारे साइड से कोई प्रोग्रेस नहीं है। और ऊपर से 15 बड़े बड़े लोग किडनैप हो चुके हैं और उसमें से 2 हमारे MP हैं। डू यू नो दैट? तुम्हें लगता है कि सेंटर इस पर चुप बैठेगा? पूरे महाराष्ट्र को पोस्टरों से भर दो। अगर कोई भी उनके बारे में कुछ भी जानता है या छोटी सी सूचना देता है तो उसे 20 लाख रुपए इनाम मिलेगा। ये बात पोस्टरों में छाप दो। हाल ही में किडनैपिंग की कई सारी वारदातें हुई हैं। अगर आपको किडनैपर के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें बताएं। अब हम पता करेंगे कि लोग इस मामले में पुलिस की मदद कैसे करेंगे। अबे तेल लेने जा, भाग यहाँ से। नो चांस। तभी नहीं बताऊंगा, थप्पड़ खाएगा मेरे हाथ से। फालतू बात, होगा नहीं देंगे। क्यों पूछ रहे हो? अब तो राशन से चीनी चावल ठीक से मिल रहा है, बंद करवाना चाहते हो क्या? क्या किडनैपर को माफ करना चाहिए? माफी किस बात की, उसने कोई गलत काम किया ही नहीं है। जो अच्छा काम कर रहा है उसे तुम धोखा देने के लिए कह रहे हो। तू चल जा यहाँ से। अब यकीन हो गया है, पूरे स्टेट में एक भी इंसान समझदार नहीं है। क्रिमिनल को हीरो मानकर उसे पूछते हैं। सर, मुझे आपसे कुछ कहना था। ए, तो अभी तक नहीं है, बाहर जाके बैठ। बाहर जाओ, बाहर जाओ। बाहर गया इसलिए इतने सबूत इकट्ठा कर पाया मैं, वरना तुम्हारे साथ बैठ के स्लाइड देखता। सर, स्लाइड के नाम पे नई फिल्में देखते हैं ये। स्लाइड के साथ समोसे चाहिए इनको। होटल का खाना खा खा के मोटे हो गए हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं, कैंटीन समझते हैं इसको। इनको लात मार के निकाल देना चाहिए सर। इनकी वर्दी उतार कर इन्हें नंगा। सॉरी सर। अपनी खुद की जेब से पैसे डालकर 15 दिन की छुट्टी लेकर मैंने ये सारी खोजबीन की है सर। एक दिन की छुट्टी मांगी, वो भी नहीं दी सर इन्होंने। बाहर निकलो यहां से, कांस्टेबल हो, जाके गाड़ी साफ करो, ऐसा कहता है ये। और ये तो सिर्फ सिर हिलाता है। ए, होल्ड योर टंग। सर, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ नहीं बोल रहा, प्लीज बकवास कर रही है सर। शट अप, शट अप। हां बोलो सर। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये टेररिस्ट पावर नहीं है, स्टूडेंट्स पावर है।
ओह माय गॉड, 90% केस सॉल्व कर दिया, अब क्या बचा? बस एक और दिन की छुट्टी चाहिए सर, मुझे नेशनल कॉलेज जाकर उस मास्टरमाइंड को पकड़ना है। छुट्टी तो नहीं मिलेगी, ड्यूटी पर जाओगे। मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा, आओ। मैं यहाँ एक खास तहकीकात के लिए आया हूँ, मुझे अंदर जाना है, हट जाइए। क्यों? एक शरीफ आदमी को पकड़ना है, हम खुश हैं कि एक अनजान आदमी कुछ अच्छा काम कर रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमारे कॉलेज का है। हम यहीं खड़े हैं, देखते हैं आप अंदर कैसे जाते हो। आप सब इतना तो जानते ही होंगे, आज किडनैपिंग हुए 2 दिन गुजर चुके हैं, थोड़ी सी देर होने पर वो कल एक आदमी को मार देंगे। किसको मार देंगे, अंबेडकर को या नेहरू को? नहीं, वो जिनको मारने जा रहे हैं वो सब थर्ड रेट गुंडे हैं। होना तो ये चाहिए था कि आप उन्हें पकड़ते सर, क्रिमिनल को पकड़ने में तो नानी याद आ जाती है इनको। मुझे जाने दो नहीं तो गलत होगा। अगर एक भी स्टूडेंट जिंदा रहा तो तुम्हारा अंदर आना मुश्किल है। सर 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 प्लीज रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? सारे शहर की पुलिस फोर्स को यहाँ बुलाकर इन सबको मजा चखाऊंगा। सर किसी रूलिंग पार्टी वाले को पीटेंगे तो सिर्फ वही हल्ला मचाएंगे, किसी ऑपोजिशन वाले को पीटेंगे तो सिर्फ ऑपोजिशन जवाब देगा, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को मारा तो पूरा महाराष्ट्र जल उठेगा। सर जरा उनके पीछे की भीड़ देखिए सर। तुम्हारे राज्य में किसके पीछे भीड़ नहीं है सेंटीमेंटल इडियट्स, भीड़ ही सब कुछ है, सबके पीछे भीड़ है। 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो महाराष्ट्र के टुकड़े कर देंगे, और अगर 100 लोग इकट्ठा हो जाए तो भारत के टुकड़े कर देंगे। हेलो सरदार सिंह, ओवर। कॉलिंग फ्रॉम कंट्रोल रूम, बद्री नारायण को मार दिया गया सर। वैसे वो लोग 3rd दिन मारते हैं, पर इस बार ये वारदात 2nd दिन हुई है सर। रे रोड हार्बर पर जल्दी पहुंचे सर, ओवर। अब हमें इसे सैल्यूट करना पड़ेगा। साइड प्लीज। उसने तो 2 ही दिनों में उसे मार दिया, छोड़ूंगा नहीं उसे, और उसे पकड़े बिना यहां से जाऊंगा भी नहीं। मैं उसे बता दूंगा कि सरदार सिंह क्या चीज है। क्यों हंसते क्यों हो? खुशी हो रही है सर। क्या पहले वो लोग 3rd दिन मारने वाले थे और अब उन्होंने 2 ही दिनों में मार दिया, ये क्या खुशी की बात है? हम कामयाब हो गए सर। क्या कह रहे हो तुम? जो आदमी 3rd दिन मरने वाला था उसे 2rd ही दिन मार देने का क्या मतलब होता है? मतलब हम बिल्कुल सही रास्ते पर पहुंचे हैं, अब अगले ही मोड़ पर वो हमारे सामने होगा। पकड़े जाने के डर से उसने 3rd दिन का इंतजार किए बिना ही 2rd दिन मार दिया, तो अब बिना 1 मिनट खोए हमें अपनी तलाश तेजी से करनी होगी सर। हम उस कॉलेज में घुसेंगे कैसे? उसे छोड़िए सर, दूसरा आइडिया सुनिए, सीधे यूनिवर्सिटी जाएंगे। आप नेशनल कॉलेज के सारे पास आउट्स की लिस्ट निकलवाइए, और अब वो पास आउट्स कौन सी नौकरी कर रहे हैं इसका पता लगाइए। हम चुटकी बजाते ही उन्हें अरेस्ट कर लेंगे, ओके? समझ नहीं आ रहा सीनियर कौन है, है कि मैं? है मेनू ऑर्डर दे दिया या मैं? क्या कहा सर? कुछ नहीं। तू सीनियर है कि मैं, इस बात में जरा उलझ के रह गया हूं। नाउ लिसन केयरफुली, उनके नेटवर्क में जो भी लोग इन्वॉल्व है सबको अरेस्ट करो, उनको 3rd degree ट्रीटमेंट दो, कम से कम एक तो ऐसा होगा जो मार से घबरा कर अपना मुंह खोलेगा।
औरतें भी हैं क्या? किसी एक ने भी उसका नाम उगला? नाम ये पीटने पर भगवान को भी याद नहीं कर रहे हैं। कैसे काम चलेगा? क्या दूसरे पुलिस स्टेशन में किसी ने कुछ बोला? सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर सबको पीटा जा रहा है सर। हम तो कुछ नहीं, आसन गांव की पुलिस ने तो खाल उधेड़ दी है। हमें वहीं से उसका नाम पता लगने की उम्मीद है सर। सर औरंगाबाद से फोन है सर, उधर कुछ पता चला होगा। अरे पालेकर बात कर रहा हूँ। वहाँ किसी ने नाम बताया? यही पूछने के लिए तो मैंने फोन किया है। यहाँ कोई मुंह ही नहीं खोल रहा है। कस के पिटा उन्हें बेवकूफ, ठीक से मार भी नहीं सकते उन्हें। कितना मारूं उनको, जान ले लूं क्या उनकी? क्या है ये, तुम्हारे कहने पर इन सबको पीट डाला फिर भी कोई जुबान नहीं खोलता है? सर आप टेंशन क्यों ले रहे? मैंने सिर्फ नाम उगलवाने के लिए इन्हें पीटने के लिए नहीं कहा था सर। मार यहाँ पड़ेगी और दर्द वहां होगा, वार यहाँ किया जाएगा और खून वहां निकलेगा। अब वो खुद अपने बिल से निकल आएगा। सर इनके बीवी बच्चे और माँ बाप आए हुए हैं। तो उन सबको अंदर बुला लो। ओके सर। देखते हैं क्या होता है। केवल तुम्हारा बच्चा ही नहीं, इन सबको छोड़ दूंगा। बस इनको कहो उस आदमी का नाम बता दें। ओके जाओ जाओ। रघु क्या? तुम्हारा बेटा बेरहमी से पीटा गया, तुम कैसी माँ हो? तुम उसके बारे में जानती हो क्या? वो छोटा लंबा काला गोरा कैसा है कुछ बताओगी? किसी अनजान आदमी के लिए इसे क्यों मरवा रही हो? वो तुम्हारे बेटे से ज्यादा जरूरी है। तुमने तो उसे कभी देखा भी नहीं है। नहीं देखा तो क्या? तूने भगवान को देखा है क्या? दो वक्त की रोटी हमें नसीब हो रही है, तू उसे भी छीन लेना चाहता है। ये मेरा लाडला बेटा है, मैंने बचपन में भी इसे नहीं मारा, तुमने मारा, फिर भी इसने नाम नहीं बताया। अगर हाथ दर्द हो रहे हैं तो लाओ, जाओ, लाठी लेकर आओ और मारो, चाहे तो इसे फांसी पे लटका दो, पर ये नाम नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। We are not sentimental idiots, sir. महाराष्ट्र के लोग यूं ही किसी के पीछे भीड़ नहीं बना के खड़े हो जाते। वो इंसान कुछ ऐसा कर रहा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। ऐसे भी गंदे लीडर हैं जो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इंसान इन लोगों को धोखा नहीं देगा। कौन है ये? उस अनजान आदमी के लिए जान दे रहे हैं? इतना प्यार है, आखिर कौन है वो? अब तो उसे जरूर मिलना पड़ेगा।
का फोन टैप करो, टैप करो। हाँ बोलिए। आवाज रिकॉर्ड करके फोन नंबर ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सरेंडर करूंगा। थैंक यू सर। मेरी दो शर्तें हैं। बताइए बताइए सर। तुमने हमारे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके रखा है उन सबको छोड़ना होगा बिना शर्त, और दूसरा उन सबको उसी ऑफिस में दोबारा काम पर रखना होगा। ओके ओके सर। मुझे वो नहीं आप चाहिए, उन्हें दोबारा इज्जत से नौकरी पे रखा जाएगा, ये सरदार सिंह का वादा है, ट्रस्ट मी। आप सरेंडर कब और कहां कितने बजे करेंगे हमें बताइए सर, मैं लिख लेता हूं, जस्ट वन मिनट। सर थैंक यू वेरी मच। अरे भाई इस पेपर में सरेंडर की जगह नहीं लिखी है, उस पेपर में लिखा है क्या? अरे भाई ये वाले पेपर में भी नहीं है, ये दूसरा अखबार देना। किसी भी पेपर में सरेंडर की जगह नहीं लिखी है, किसी भी टीवी न्यूज में नहीं दिखा रहे। नो कमेंट प्लीज, प्लीज नो कमेंट। जाने की जगह दीजिए प्लीज, हमें काम करना है प्लीज। हटिए यहाँ से प्लीज, नो कमेंट। सारे फोन के रिसीवर हटाने को कहा था ना, ठीक है चलो फोन उठाओ। हेलो सर, होम मिनिस्टर बात करना चाहते हैं सर। उनसे काम पूछो। सर आपको किस बारे में बात करनी सर? सर वो पूछ रहे सरेंडर की जगह कौन सी है। कह दो अभी बता नहीं सकते, फोन रख दो। एक बात पूछूं सर, ऐसी क्या खास बात है जो आप होम मिनिस्टर को भी नहीं बताना चाहते? कुछ खास नहीं है। इसके सरेंडर के बाद जब स्पेशल कोर्ट में इस पर फाइल खुल जाएगी तो मैं इस केस से छुट्टी पा जाऊंगा। अब तक उस आदमी का चेहरा किसी ने देखा नहीं है, तो उसे देखने के लिए भारी भीड़ हो जाएगी और हो सकता है जमा हुई भीड़ पुलिस की गाड़ी को आग लगा दे। इसलिए मैंने सावधानी रखते हुए उसके सरेंडर की जगह और टाइमिंग किसी को नहीं बताई है। The final judgment in the Professor Ram Lal's case, which has created sensation throughout Maharashtra state, Professor Mr. Ram Lal has confessed that he was the brain behind the existence of ACF and its activities. And the murder of special court में Professor Mr. Ram Lal ने ये माना कि वो ही ACF के मुखिया हैं, और उन्होंने ये भी माना कि इन सारी गतिविधियों के पीछे उन्हीं का हाथ था। इन सारी बातों के मद्देनजर कोर्ट ने Mr. Ram Lal को मौत की सजा सुनाई है।
हेलो सर। सर आपसे मिलने सीएम साहब आए हैं। तुमने बहुत ही महान काम किया है, तुम्हें यहां देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारी मर्सी पिटीशन मैं प्रेसिडेंट को देना चाहता हूं, लो साइन करो, इस पर तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। मुझे माफी? पता नहीं सही है या गलत, वैसे मैं चार हत्याओं का जिम्मेदार हूं। गलती की शुरुआत माफी और गलती का अंत सजा है। गलती करने पर सजा मिलने का डर ही समाज को ठीक से चलाता है सर। अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो डर खत्म हो जाएगा। मैं खुद ही इस बात की गलत मिसाल नहीं बनना चाहता। मेरी मौत की खबर से ही उनकी हड्डियां कांप जानी चाहिए। 20 साल की उम्र से राजनीति शुरू की थी, सोचा था लोगों की सेवा करूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरे अच्छे कामों की दूसरे बुराई करते हैं और दूसरे के कामों की मैं बुराई करता हूँ। इस तरह लड़ते झगड़ते पार्टियां बदलते हैं, अपनी कुर्सियां बचाते हैं, हम लोग बुढ़े हो गए हैं। जो मैं 20 साल की उम्र में करना चाहता था वो आज तक नहीं कर पाया, पर तुमने किया है। चावल के दाम 60 रुपए से 20 रुपए तक गिर गए हैं, ये तुमने किया है, मैंने नहीं। तुम एक बहुत ही आप मुझसे मिलने आए मेरे लिए यही काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब कोई बेटा मरता है और मां रोती है मतलब वो अच्छा बेटा था। अगर बच्चे रोते हैं तो वो अच्छा बाप था। अगर भाई बहन रोते हैं तो वो एक अच्छा भाई था। अगर उसकी मौत पर पूरा राज्य रोता है तो वो अच्छा लीडर था। तुम्हारे लिए तो पूरा देश रो रहा है। मेरे अपने पोते ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। ऐसा क्यों सोचते हो कि तुमने उन्हें मारा? उसको ऐसे सोचो कि कोर्ट ने उनके गुनाहों के लिए मौत की सजा सुनाई है। मौत की सजा सुनाने के बाद जज उस पेन की निब को तोड़ दिया करते हैं। मैं वैसे ही पेन की निब हूं, टूट जाने दीजिए मुझे। मेरे लिए एक काम करेंगे, मुझे आखिरी बार अपने बच्चों से मिलना है। ये जानते हुए भी कि आप जरूरी काम से बाहर हैं, फिर भी बच्चे आपको याद करते हैं। मैं सबको जवाब दे सकता हूँ, पर समझ नहीं आता इन बच्चों को क्या जवाब दूँ। बचपन में ही माँ बाप बहन और भाई, पूरी फैमिली खो चुके हैं। ये तो एक बार फिर से अनाथ हो गए। जब पौधा उखाड़ कर नई जगह बोया जाता है तो जड़ों के साथ पुरानी मिट्टी भी साथ लाता है। इनके पास तो वो भी नहीं है। मेरे बिना तो अब इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मर चुका हूं। इनसे कहना कि मैं विदेश चला गया। इन्हें उम्मीद होनी चाहिए कि मैं किसी ना किसी दिन जरूर वापस आऊंगा।
मुझे दो बार बच्चे उपहार में दिए, पर मैं ही अभागा हूं, उनके साथ रह नहीं पाया। तुम इनका ख्याल रखना, तुम्हारे अलावा ये किसी और को नहीं जानते। अगर ये कोई गलती करें तो इन्हें प्यार से समझाना, इन्हें मारना मत प्लीज। एक मिनट, कुछ नहीं। महाराष्ट्र में कुल 8 यूनिवर्सिटी हैं। आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और इन सब के स्टूडेंट सिटी में हर तरफ फैल चुके हैं सर। हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं सर। अगर अभी ये हालत है तो प्रोफेसर रामलाल की फांसी के बाद तो सारे शहर में दंगे हो जाएंगे। सर, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हमें रामलाल की मदद लेनी चाहिए। फांसी के पहले अगर वो स्टूडेंट से बात करें तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हम उनकी सजा को आसानी से पूरा कर पाएंगे। ठीक कह रहे हो, अब तक जनता ने उसे नहीं देखा है। अगर वो अपील करे और लोगों से दंगा ना करने को कहे तो बात बन सकती है। प्रेस में खबर फैलाओ कि वो पहली बार नहीं, सच कहूं तो आखिरी बार जनता के सामने आएगा और उनसे मिलेगा। क्या हुआ, प्रमोशन मिला कि नहीं? नहीं सर, ये रिश्वत ही वो गंदी चीज है जिसकी वजह से आज भी मैं इंस्पेक्टर नहीं, कांस्टेबल। आपने दूसरों को मुझ जैसा बनने से रोक लिया। आज आपको पकड़ने के बाद मुझे बहुत खुशी होनी चाहिए, मगर मैं दुखी हूं। सर, अगर मैं नेशनल कॉलेज में होता तो मैं आपका सपोर्टर होता, मैं सच कह रहा हूं। Thank you.
ये परंपरा रही है कि जब भी कोई प्रोफेसर रिटायर होता है तो उसके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स विदाई देने आते हैं। ये पहली बार होगा कि किसी प्रोफेसर की विदाई समारोह में पूरे राज्य के स्टूडेंट्स आए हैं। ये बात दिल को छू गई। जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, इन सबसे ऊपर अगर कोई तबका है तो वो है स्टूडेंट्स। ये छात्र शक्ति, छात्र शक्ति मतलब वो शक्ति जो देश के गंदे चेहरे को साफ करने की ताकत रखता है, वो यहां मौजूद है। हर एक छात्र एक चिंगारी है और इस चिंगारी में वो ताकत है जो समाज की किसी भी तरह की बुराई को भस्म कर दे। अगर ये चिंगारियां मिल जाए तो पूरा भारत सुलग उठेगा। क्या कमी है भारत में? हर चीज तो है। एक भारत 72 सिंगापुर के बराबर है, एक भारत 15 इंग्लैंड के बराबर है, एक भारत 4 पाकिस्तान के बराबर है, एक भारत जनसंख्या में 3 अमेरिका के बराबर है। अमेरिका की जनसंख्या 32 करोड़ है, भारत की जनसंख्या 127 करोड़। उस 32 करोड़ में एक एडिसन, एक अब्राहम लिंकन, एक बिल गेट्स हुए हैं। हमारे 127 करोड़ में 3 बिल गेट्स तो छोड़ दीजिए, एक भी नहीं है। क्यों? प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन एक जूता बनाने वाले थे। यहां कितने अब्राहम लिंकन किसी मोड़ पर बैठे सिर्फ जूते ठीक कर रहे हैं? आखिर हम ये हासिल क्यों नहीं कर सकते? पैसा, हर चीज में पैसा, और खेल में वहां भी घूस चलती है। ओलंपिक में हर देश मेडल जीतता है, कोई गोल्ड मेडल तो कोई सिल्वर मेडल जीत कर ले जाता है, लेकिन हम भारतीय ओलंपिक की मेडल लिस्ट में अपने देश का नाम देखने के लिए तरस जाते हैं। क्यों? यहाँ टैलेंट की कमी है क्या? हम उनसे कितना आगे थे। जब वो आदिवासियों जैसे थे हम व्यवस्था चलाते थे, जब वहां भाषा नहीं थी हमारे यहाँ कवि गीत लिखा करते थे। फिर यहाँ प्रगति क्यों नहीं है? पैसा, घूस, वो दूसरों के लिए हमसे मांग रहा है और कोई हमसे लेकर दूसरों को दे रहा है। इस बुराई को रोकने की शक्ति सिर्फ हमारे छात्रों में है। हमारी ये लड़ाई सिर्फ छात्रों और सरकारी अधिकारियों के बीच में नहीं चलनी चाहिए, बल्कि लड़ाई अपने और अपनी कवियों के बीच में चलनी चाहिए। आतंकवादियों का, पॉलिटिशियंस का पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, पर अधिकारी को निश्चित तौर पर पढ़ा लिखा होना चाहिए। वो अधिकारी कभी छात्र रहा होगा, ये छात्र कभी अधिकारी बनेगा। आप ही लोगों में से कोई भविष्य का तहसीलदार, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी बनेगा। आप सभी लोगों को यह तय करना है कि नया समाज कैसा होगा। मेरी मौत के बाद किसी बस को, किसी दुकान को न जलाया जाए, नहीं तो क्या फर्क होगा छात्र शक्ति में और अनपढ़ पॉलिटिशियंस में। मेरे लिए एक भी तीली नहीं जलनी चाहिए, ये आग सिर्फ आपके दिल में जलनी चाहिए। जय हिंद।
uncle. How are you? We are fine here. We miss you a lot. Why did you leave without saying goodbye? We all became very sad. When are you coming back? We think of you all the time. We hope you come back soon. You are the best uncle in the whole world. We're lucky to have you. We need you very much and we love you a lot. Please come back soon so we can all be happy together again.